तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये रैंक डिसाइडिंग चैप्टर है, ठीक है। रट्टाफिकेशन चैप्टर से तुम्हारे नंबर भरते हैं, बट इसमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चैप्टर आपका रैंक डिसाइडिंग हो जाता है, तो बड़ा अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। चल बढ़े बढ़े तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जो ह्यूमंस। तो ऑब्वियसली मेन काम क्या है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, हम लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन शो नहीं करते, तो मेजर काम क्या क्या आता है मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्या क्या मेजर काम है। तो सबसे पहला सर क्या है, सबसे पहला काम है गैमीट फॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस। तो सबसे पहला आ जाएगा गैमिटो जेनेसिस, जिसको हम गैमिट फॉर्मेशन कहते हैं। मेल में स्पर्म होगा, फीमेल में ओवम होगा, ठीक है। उसके बाद इस गैमिट का ट्रांसफर होगा, तो गैमिट ट्रांसफर स्पर्म वेजाइना में जाके डिपॉजिट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इनसेमिनेशन, इसको हम कहते हैं इनसेमिनेशन, ठीक है। चलिए तीसरा सर फिर क्या होगा, इनसेमिनेशन के बाद स्पर्म चला गया, तो अब इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे जाइगोट डेवलपमेंट होगा। तीसरा हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है सर। उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद चौथा क्या होगा, चौथा होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियो बन रहा है। डेवलपमेंट, और उसके बाद बच्चा जब डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगा तो उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो उसको हम कह देंगे पार्चुरिशन, पार्चू। यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, है ना, गैमेटोजेनेसिस, इनसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और पार्चुरिशन, ठीक है सर। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं, ठीक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तो आपको दो चीज देखने को मिलता है, एक हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो शुरुआत करते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, किससे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से शुरुआत करते हैं, ठीक है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, तुम अगर ओवरऑल ऊपर से देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुमको क्या क्या दिखता है, तुमको एक दिख जाता है क्या, सबसे पहले अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब ये जो टेस्टिस है मेरा, इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वही होगा जो गैमीट फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक है। तो पेयर ऑफ टेस्टिस ये मेरा क्या हो जाएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, टेस्टिस के बाद, टेस्टिस एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्क्रॉटम, ठीक है। तो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस तुम्हारे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं स्क्रॉटम, ठीक। अच्छा उसके बाद सर, इसके पास कुछ डक्ट है जो ले जा रहा है स्पर्म को, इसको हम कहते हैं एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट। इसके बाद सर क्या है, कुछ ग्लैंड्स हैं जो हेल्प कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है स्पर्म के ट्रांसफर में, इसको हम कहते हैं एक्सेसरी ग्लैंड। और क्या है सर, और एक चीज जो मेरा मेल में पीनिस है जो बाहर की तरफ निकला है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, या इसको आप कह लो पीनिस, है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया। आओ एक बार इसका 3D भी देख लो, तो क्या दिखा रहा है, यहां देखो, यहां साफ साफ देखो, सामने देखो, ये वाला जो रीजन है, जूम इन करो, ये वाला जो रीजन है, दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटिलिया, दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये जो है सर
ये वाला आपका स्क्रॉटल सैक है। जब स्क्रॉटल सैक को हटाओगे तो यहां पे जो आपको ये देखने को मिल रहा है, एक टेस्टिस, ये दूसरा टेस्टिस, तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, स्क्रॉटल सैक, एक्सटर्नल जेनिटलिया, और यहां पे जो यहां अंदर की तरफ तुमको ग्लैंड दिख रहे होंगे, यहां पे देखो, यहां पे तुमको ग्लैंड दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड होते हैं, मैं लोगों तुमको और क्लियर कट अगर स्ट्रक्चर है तो मैं तुम्हें ग्लैंड्स भी दिखा दूंगा। तो यहां देखो, तो यहां पे तुमको ये ग्लैंड्स है, ये तुम्हारा ग्लैंड है, ये तुम्हारा ग्लैंड है ना, ये वाला नहीं, ब्लू वाला, ये छोटा वाला, ये तुम्हारा ग्लैंड, ठीक है। और ये जो है तुम्हारे, ये एक्सेसरी टच। तो यही बात है, अगर तुम इसको लेबल करें, लेट से कि मैं इसी को यहां से लेबल कर दूं, ठीक है, ठीक, अगर इसमें इसको लेबल कर दूं तो मुझे क्या दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है ये मेरा एक्सटर्नल जेनिटीलिया है, ठीक है, ये वाला मेरा टेस्टिस है ना, ये मेरा एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, और ये जो सारे डक्ट है मेरे वो एक्सेसरी डक्ट है ना, और इसके चारों ओर जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा इसको हम कह देंगे स्क्रॉटम। तो एक एक करके हम इन्हीं चीजों को देखते हैं, एक एक करके हम इन्हीं चीजों को देखते हैं, आइए, ठीक है। तो देखो भैया, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, पेल्विस, ये वाला कमर वाला रीजन, इसको हम पेल्विस रीजन कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर टेस्टिस, बताए, एक्सेसरी डक्ट बताए, एक्सेसरी ग्लैंड बताए, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया बता दिया आपको, और ठीक। आइए, अब आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है क्या है सर, वो टेस्टिस है। तो टेस्टिस हमारे बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। क्यों प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है, क्योंकि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, मतलब गैमीट फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कह देंगे, इसीलिए इसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कह देंगे, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस आर फॉर्म्ड विद इन द एब्डोमेन। अब शुरू में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है तो इट इज फॉर्म विद इन द एब्डोमेन, और उसके बाद जो 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, तो ये टेस्टिस डिसेंड करते हैं या नीचे आते हैं स्क्रॉटल सैक में, ये टेस्टिस नीचे आते हैं स्क्रॉटल सैक या स्क्रॉटम में, ठीक है। कौन से केनाल से आते हैं सर, जो केनाल से आते हैं उस केनाल को हम कहते हैं इंग्विनल केनाल। जिस केनाल से टेस्टिस नीचे आया, देखो, जिस केनाल से टेस्टिस स्क्रॉटम में आया, कहां से, एब्डोमेन से, उसको हम कहते हैं इंग्विनल केनाल, ठीक है। और जिस कॉर्ड से लटका हुआ है, जो कॉर्ड है, जिस कॉर्ड से लटका हुआ है, उस कॉर्ड को हम कहते हैं स्पर्मैटिक कॉर्ड, उस कॉर्ड को हम कहते हैं स्पर्मैटिक कॉर्ड, जिस कॉर्ड से लटका हुआ उस कॉर्ड को हम कहते हैं स्पर्मैटिक कॉर्ड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, कभी कभी, कभी कभी इंग्विनल केनाल का छेद फैल जाता है, और उसमें उसमें क्या हो जाता है, तुम्हारा जो इंटेस्टाइन है वो प्रोट्यूड कर जाता है, तो उसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया। कभी कभी, समटाइम्स प्रोट्यूजन, अंग्रेजी देखो भाई, ऑफ इंटेस्टाइन टेक्स प्लेस इन इंग्विनल केनाल, क्या कहते हैं सर इसको, इसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया, इसको हम कहते हैं इंग्विनल हर्निया, ठीक है सर, बढ़िया। स्क्रॉटम में टेस्टिस होने का फायदा क्या है, स्क्रॉटम में टेस्टिस होने का फायदा क्या है, कि ये क्या करता है, तुम्हारा जो टेम्परेचर है उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम करके रखता है बॉडी टेम्परेचर से। तो स्क्रॉटम का फायदा क्या है, कि इट इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर, मतलब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर से कम रहेगा फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों ऐसा करता है, फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टेस्टिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो अगर मान लो किसी का
किसी का टेस्टिस क्रॉटम में नहीं आया, उसको वैसे बीमारी को क्रिप्टोर्चिज्म कहते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं उसको। तो किसी का टेस्टिस अगर स्क्रॉटम में नहीं आया तो उसको क्या बच्चा होगा? नहीं, उसको स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, नहीं उसका स्पर्म नहीं बनेगा। क्लियर है? उसका स्पर्म नहीं बनेगा, ठीक है सर। अच्छा, अब टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। ईच टेस्टिस इज ओवल शेप्ड, 4 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है और 2 से 3 सेंटीमीटर इसका वेट है। आओ तुमको 3D में टेस्टिस भी दिखाते हैं। तो इसका ड्राइंग हटा दें, तो आओ तुमको 3D में टेस्टिस दिखाते हैं। तो ये है मेरा टेस्टिस, देखो। अब देखो यहां से तुमको सब कुछ अच्छे से दिखेगा। ये है तुम्हारा टेस्टिस, जूम इन है, देखना कहीं मुंह पे ना आ जाए तुम्हारा टेस्टिस, ठीक है। तो अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, अगर मैं टेस्टिस की बात करूं, तो टेस्टिस क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट मैंने बोला 4 से 5 सेंटीमीटर क्या है सर? लेंथ। और दूसरा पॉइंट मैंने बोला 2 से 3 सेंटीमीटर क्या है सर? विड्थ। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। पेयर में है, पेयर में हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो, अब क्या है, अब क्या है कि टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग, तुमको तीन कवरिंग वैसे होता है, मैं तुमको तीन कवरिंग नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक बता रहा हूं। आउटर कवरिंग जो है इसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या जिसका बना होता है? ये वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है। तो ये जो उजला उजला देख रहे हो ना, दैट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अच्छा, हर एक टेस्टिस के अंदर क्या है सर? 250 टू 300, ठीक है, एनसीईआरटी तुम्हारी 250 लिखती है, तुम 250 कर लो। टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स होता है, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल्स होता है, जैसे देखो ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है, 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 ये टेस्टिकुलर लॉब्यूल है ना। तो 250 कंपार्टमेंट होता है जिसको हम टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल या टेस्टिक्यूलर कंपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में क्या दिख रहा है आपको? हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में आपको 1 से 3, हर टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में आपको 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल दिखता है, हाईली कॉइल्ड सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल दिखता है। दिस इज सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, ये जो है आपका, ये जो है 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये आपका, दिस इज 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल जो है तुम्हारा, ये खुलता है एक जगह में, ये वाला, ये वाला, ये खुलता है एक जगह में, इस जगह को कहते हैं रेटे टेस्टिस, इस जगह को कहते हैं रेटे टेस्टिस। सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल जहां खुल रहा है इसको कहते हैं रेटे टेस्टिस, और रेटे टेस्टिस से तुम्हारे ऐसे ऐसे क्या निकला है? रेटे टेस्टिस से तुम्हारे छोटे छोटे डक्ट निकल रहे हैं जिसको हम कहते हैं वासा एफरेंचिया। रेटे टेस्टिस से कहां गया? वासा एफरेंचिया, और वासा एफरेंचिया से फिर चला गया ये वाला जो रीजन है, जो खुल के चला जाएगा पीछे तुम्हारे फीमेल रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे, जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, आई बात समझ में आप सबको? वेरी गुड सर। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट सर, मैं वैसे इसका पीडीएफ डाल दूंगा, वैसे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं पीडीएफ ले सकता हूँ क्या?
ठीक है, तो ये आ गया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस फैसले को पीडीएफ में आपके डाल दूंगा। डन 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 डन। तो आइए, तो वही बात है, यहां पे देखो सब कुछ लिखा हुआ। तो ईच टेस्टिस हैज अबाउट 254 कंपार्टमेंट, जिसको हमने क्या बोला, टेस्टिकुलर लॉब्यूल। ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल में क्या है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस टिब्यूल। अब सेमनीफेरस टिब्यूल के बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल कहां खुलता है, सेमनीफेरस टिब्यूल खुलता है तुम्हारा रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस से जाता है वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से जाता है एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस से जाता है वास डिफरेंस में, एपिडाइडिमिस से जाता है वास डिफरेंस में, यहां तक हमने देखा। ठीक है, अब तुम्हारी बात करते हैं कि सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। सर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए, तो अगर सेमनीफेरस टिब्यूल की बात करें, अगर हम सेमनीफेरस टिब्यूल की बात करें, तो सेमनीफेरस टिब्यूल ठीक है, 1 से 3 कॉइल था, इसमें दो चीज था, एक था मेल जर्म सेल, एक था मेल जर्म सेल, और दूसरा था सर्टोरिस। तो सेमनीफेरस ट्यूबल में क्या क्या है, एक मेल जर्म सेल और दूसरा है सर्टोली सेल। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबल में क्या था, एक मेल जर्म सेल था और दूसरा था सर्टोली सेल। ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल का जो मेल जर्म सेल है, ये फिर स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट कर जाएगा, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन कराएगा। कैसे कराएगा भी हम पढ़ेंगे। और जो ये सर्टोली सेल है सर, ये सर्टोली सेल तुम्हारा न्यूट्रिशन देगा, क्या देगा, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, डेवलपिंग स्पर्म, न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म देगा। ठीक है, अब सेमिनिफेरस टिब्यूल में कुछ कुछ जगह होते हैं, जगह है सेल के बीच में, जगह है तो टिश्यू स्पेस कहते हैं या इंटरस्टीशियल स्पेस कहते हैं उसको। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल में इंटरस्टीशियल स्पेस है, और इस इंटरस्टीशियल स्पेस को क्या कहते हैं, इस इंटरस्टीशियल स्पेस को हम कहते हैं, यहां पे जो सेल्स होते हैं उसको हम कहते हैं लेडिग सेल। क्या कहते हैं, इस इंटरस्टीशियल स्पेस में जो सेल है इसको हम कहते हैं लेडिग सेल। और ये लेडिग सेल का काम क्या होता है, ये रिलीज करता है एंड्रोजन, मेल हॉर्मोन एंड्रोजन, है ना, तो ये रिलीज करता है एंड्रोजन, या इसको हम कह सकते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करेगा, हेल्प करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट इन मेल्स, हेल्प करेगा, हेल्प्स इन सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट इन मेल्स। ठीक है, और मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, क्या कहते हैं 250 कंपार्टमेंट को, टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल सेमनीफेरस टिब्यूल है। सेमनीफेरस टिब्यूल का दो पार्ट है, एक है मेल जर्म सेल जो स्पर्म बनाएगा, दूसरा है सर्टोली सेल जो स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा। सेमनीफेरस टिब्यूल के बीच में स्पेस है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल स्पेस, जिसके अंदर है लेडिग सेल, और लेडिग सेल मेल हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, लेडिग सेल मेल हार्मोन एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देख लो भैया, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन बाय स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। सर्टोली सेल क्या दिया सर, नरिशमेंट दिया स्पर्म को। रीजन आउटसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्पेस है,
जिसको जहां पे लेडिक सेल है और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है। लेडिक सेल सिक्रीट करता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। जहां जहां से सवाल आया तुम देखो कैसा डायरेक्ट सिंपल सवाल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या कहा कि उसके बाद ये गया रेटे टेस्टिस के पास, रेटे टेस्टिस से गया वासा एफरेंचिया, वासा एफरेंचिया से एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस से गया वास डिफरेंस, ठीक है। एपिडाइडमिस में याद रखिएगा टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म होता है, तो स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म अप टू 1 महीना कहां होता है, एपिडाइडमिस में होता है। टेम्पररी स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म जो है कहां होता है सर, वो एपिडाइडमिस में होता है, ठीक है सर। तो ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल से रेटे टेस्टिस से वासा एफरेंचिया, वासा एफरेंचिया से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस फिर उसके बाद सेमिनल वेसाइकल के साथ जुड़ के बनाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। ठीक है, तो सेमिनल वेसाइकल का डक्ट और वास डिफरेंस का डक्ट दोनों मिलके बनाता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, ठीक है। और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट फिर चला जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से बाहर स्पर्म निकल जाता है थ्रू यूरेथ्रल मीटस। यहां पे देखिए तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एपिडाइडमिस से देखो, एपिडाइडमिस है ये तुम्हारा, एपिडाइडमिस से तुम्हारा चला गया वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में सेमिनल वेसाइकिल का डक्ट, और ये दोनों मिला के यहां पे ये इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, और ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर से तुम्हारा यूरेथ्रा में गया, और यूरेथ्रा से फिर तुम्हारा कहां बाहर, बाहर की तरफ निकल गया, यूरेथ्रा से तुम्हारा बाहर की तरफ निकल गया। मैं बहुत डिटेल में नहीं आ रहा हूं, हम लोग बहुत तरह के यूरेथ्रा पढ़ाते थे, तुम्हारे नीट में आज तक नहीं आया, अभी भी नहीं आएगा, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहे, तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको समझा रहे, ठीक है। ठीक है सर, सेम लाइन रिपीट हो गया, ठीक, अच्छा कोई दिक्कत यहां तक। अब एक्सेसरी डक्ट से तुम्हारा एक्सेसरी ग्लैंड पे आते हैं, तो क्या क्या ग्लैंड है मेरे पास, मेरे पास है पेयर्ड, ध्यान से देखना, सेमिनल वेसाइकल, पेयर्ड मतलब बेटा दो, ठीक है। उसके बाद सर क्या है मेरे पास, सिंगल अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद है मेरा क्या, पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, ठीक है सर, ठीक है सर। तो क्या भैया, तो दे इंक्लूड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल एंड कूपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब देखो ये सब मिला के, ये सब मिला के क्या रिलीज करता है, ये सब मिला के रिलीज करता है सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। ये सब मिला के रिलीज करता है सेमिनल प्लाज्मा, उसमें क्या क्या है, उसमें फ्रुक्टोज है, कैल्शियम है, और कुछ एंजाइम्स है, और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर भी है। तुम देखो फिर जब स्पर्म बाहर निकलता है क्लॉट होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। लगभग 70% सिक्रीशन इसका होता है, लगभग 28% सिक्रीशन इसका होता है, और लगभग 1 से 2% सिक्रीशन इसका होता है, ठीक है। बल्बो यूरेथल ग्लैंड का सिक्रीशन का काम क्या होता है, पहला काम करता है सर ये लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस कराता है, लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस कराता है। दूसरा काम क्या करता है सर ये, दूसरा काम क्या करता है, ये एसिडिटी कम कर देता है यूरेथ्रल मीटर्स में। मैं फिर समझाता हूं क्या होता है, रिड्यूसेस एसिडिटी इन यूरेथ्रल मीटर्स। अब मैं समझाता हूं क्या होता है बेटा, देखो तुम जब सुसु करते हो तो सुसु तुम्हारा क्या है, सुसु तुम्हारा क्या है, एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक। स्पर्म जो है तुम्हारा ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। तो क्या करता है ये कि जब
तुम्हारा स्पर्म निकलने वाला होता है, तो बल्बोयूथ्रल ग्लैंड जो है अपना सिक्रीशन करता है जो एल्कलाइन इन नेचर है, और वो जो एसिडिक पार्ट था जो बचा कुचा सूत्र तुम्हारे यूरेथ्रा में लग गया था उसको साफ कर देता है, जिससे तुम्हारा स्पर्म अच्छे जाए, नहीं तो एसिडिक मीडियम में तुम्हारा स्पर्म मर जाएगा। ठीक है, तो स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ किसका, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं सीमेन, इसको हम कहते हैं सीमेन। क्लियर है सर, इसको हम कहते हैं सीमेन। डन, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, हम बहुत ज्यादा अंदर नहीं घुस रहे, तुम्हारे सारे पीवाईक्यूज यहां पे टाइट है और जहां से सवाल आया वहीं तुमको समझाया गया है। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है सेमिनल प्लाज्मा का? पहला, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, फ्रुक्टोज रिच मीडियम है तो स्पर्म को ट्रैवल पे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, एल्कलाइनिटी प्रोड्यूस करता है ताकि एसिडिटी कम हो जाए। ठीक है, और दूसरा लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस करता है। ठीक है, अच्छा और क्या है, सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस वास डिफरेंस सेमिनोवास्कुलर एंड प्रोस्टेट हेल्प फॉर मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म ऑल्सो, तो इन सब का सिक्रीशन स्पर्म का मैच्यूरेशन और मोटिलिटी में भी हेल्प करता है। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म एपिडाइडिमिस में होता है कुछ दिन के लिए, 1 महीने तक स्पर्म वहां रह सकता है, तो टेम्पररी स्टोरेज एंड मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म, जो है वो कहां होता है, वो एपिडाइडिमिस में होता है। ठीक है, फिर से एक बार बोलो मेरे साथ, एक्सेसरी ग्लैंड में क्या है, पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, उसके बाद सिंगल प्रोस्टेट और दो बल्बोयूथ्रल ग्लैंड। आओ मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा दूं, ठीक है, और मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा दूं, ठीक है, ये हटा दो, आइए मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा दूं, यहाँ पे दिख जाएगा, देखो ध्यान से। अच्छा, तो फीमेल आ गया, हाँ देखो ध्यान, यहाँ पीछे वाले पोर्शन से तुमको ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक, ध्यान से देखो, ठीक है, देखो ध्यान, तो ये वाला जो मेरा आया क्या है, ये वास डिफरेंस का है, और ये वाला मेरा क्या है, सेमिनल वेसाइकल का। ठीक है, अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड को हम काट देते हैं, अरे ज्यादा कट गया, कोई बात, तो देखो मेरा क्या था, अब देखो ध्यान से, ये वाला जो था ये वास डिफरेंस है, ये मेरा वास डिफरेंस था। ठीक है, और ये वाला जो मेरा था ये क्या था सर, सेमिनल वेसाइकल, क्या था सर, सेमिनल वेसाइकल, तो सेमिनल वेसाइकल पेयर्ड है, दो है, देखो कैसे, एक ये है और दूसरा ये, सेमिनल वेसाइकल का डक्ट और इसका वास डिफरेंस का डक्ट, ये दोनों मिला के ये वाला जो लाइन देख रहे हो ये मेरा बना देता है इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्या कहते हैं इसको, ये वाला जो लाइन बना देता है इसको कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट, क्या कहते हैं इसको, इजैक्यूलेटरी डक्ट। ठीक है, अब ये पूरा जो मैंने आधा छिल दिया, ये वाला जो पार्ट था इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, बड़ा है थोड़ा सा, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब यही कभी कभी होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होगा तो क्या होगा, जो तुम्हारा वास डिफरेंस उसको प्रेस कर देगा, तो यूरिनरी ब्लैडर से सूसू ठीक से नहीं निकल पाता, तो कहते हैं प्रोस्टेट हुआ है ना, तो यही होता है। ठीक है, और उसके बाद तुमको दो चुन्नू मुन्नू ग्लैंड दिख रहा होगा, देखो ये वाला चुन्नू मुन्नू ग्लैंड और ये वाला चुन्नू मुन्नू ग्लैंड, दो चुन्नू मुन्नू ग्लैंड दिख रहा है देखो, तो है ना, इस ग्लैंड को हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्या कहते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, और यही अंदर से फिर तुम्हारा चला जाता है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल
मीटस, यूरेथ्रा और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। तो ये वाला काम यहां हो गया सेमिनल वेसाइकल का, ठीक है सर। अब आते हैं पीनिस, या जिसको हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। तो क्या है सर? इट इज द कॉप्यूलेटरी ऑर्गेन मेड अप ऑफ इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू, ठीक है। कौन कौन सा स्पॉन्जी टिश्यू होता है सर? वैसे तो अगेन तुमको पढ़ना नहीं, मैं से बता देता हूं, ठीक है। तो दो तरह का टिश्यू होता है, एक को हम कहते हैं कॉर्पस कैवेनोसम। अगेन याद नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, इस जन्म में इस पर सवाल नहीं आने वाला है। इसको हम कहते हैं कॉर्पस कैवेनोसम, और दूसरा एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक है सर, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ठीक। तो क्या होता है कि जब जब तुमको सेक्सुअल स्टिमुलस मिलता है तो क्या होता है, ब्लड अचानक से फ्लो कर जाता है तुम्हारे पेनिस के अंदर, और जिसके वजह से तुम्हारा पेनिस इरेक्ट हो जाता है ना। तो ड्यू टू सेक्सुअल स्टिमुलस वेजोडाइलेशन होता है। तो सेक्सुअल स्टिमुलस से क्या हुआ? सेक्सुअल स्टिमुलाई हुआ, इससे तुम्हारा वेजोडाइलेशन हुआ, इससे क्या हो गया, ब्लड फ्लो इन पीनिस, फ्लो इन पीनिस इंक्रीज कर गया, और इससे तुम्हारा जो है पीनिस इरेक्ट हो जाता है, इससे तुम्हारा पीनिस इरेक्ट हो जाता है, ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया। क्या इरेक्ट करता है पीनिस इरेक्ट होके? तो पीनिस इरेक्ट होगा तो इट विल हेल्प इन इनसेमिनेशन, तो ये वेजाइना के अंदर घुसेगा और ये इनसेमिनेशन में हेल्प करेगा, तो इट विल हेल्प इन इनसेमिनेशन, ठीक। अब अगर पीनिस का स्ट्रक्चर देखोगे, मैं तुम्हें पीनिस का स्ट्रक्चर दिखाऊं, मैं तुम्हें पीनिस का स्ट्रक्चर दिखाऊं, ये वाला, यहां से मैं तुम्हें पीनिस का स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो आउटर बल्ज पार्ट, ये देखो ये जो बल्ज पार्ट है, ठीक है, ये जो बल्ज पार्ट है, इस बल्ज पार्ट को हम कहते हैं ग्लैंड्स पीनिस, ये जो बल्ज पार्ट है, इस बल्ज पार्ट को हम कहते हैं ग्लैंड्स पीनिस, ठीक है। और बहुत ऐसे रिलीजन में क्या होता है कि इस ग्लैंड्स पीनिस के ऊपर एक कवर होता है, ठीक है, इस कवर को कहते हैं फोरस्क्रीन। देखो अगर मैं इसको हटा दूं, इसको हटा दो, इस फोरस्किन को मैंने हटा दिया, ठीक है, इस फोरस्किन को मैंने हटा दिया, तो ये वाला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स पीनिस, दिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स पीनिस, जो बल्ज पार्ट है, जो बल्ज पार्ट है, ये जो बल्ज पार्ट दिख रहा है, दिस बल्ज पार्ट इज कॉल्ड ग्लैंड्स पीनिस, ठीक है। बट वही इसके ऊपर कवर लगा दो तो ये कवर जो है, इस कवर को हम फोरस्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। तो बहुत सारे लिलीजियम में क्या होता है कि इस फोरस्किन को ऐसे काट दिया जाता है, इस फोरस्किन को ऐसे काट दिया जाता है और आपका ग्लैंड्स पीनिस एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। तो यही वाली बात है, तो द कोन शेप्ड टिप ऑफ द पीनिस इज कॉल्ड ग्लैंड्स पीनिस, जो बल्ज पार्ट है, और उसके ऊपर जो कवर लगाया उसको हम कहते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन, ठीक है। अगर प्रीप्यूस को रिमूव कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं सरकमसीजन, तो रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस, क्या कहते हैं इसको, सरकम सीशन, रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस इज कॉल्ड सरकम सीशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा मेल एक्सटर्नल जेनिटीलिया खत्म हो गया, इस पे और कोई सवाल नहीं आएगा, बहुत है तो फोरस्क्रीन और प्रीप्यूस पे सवाल आता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के पास, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहाँ है, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे क्या क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, देखो अ पेयर ऑफ ओवरीज, अगेन ये जो पेयर ऑफ ओवरी होगा ये क्या होगा, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा इसका, है ना। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी होगा, तो ये क्या है सर, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और क्या ऐसा, एक्सेसरी डक्ट, बिल्कुल यहां भी डक्ट होगा, एक्सेसरी ग्लैंड यहां भी होगा, बिल्कुल,
और एक्सटर्नल जेनिटीलिया इनका भी होगा। ठीक है, देखें एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखें एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो ये है तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो क्या दिख रहा है सर, ये बाहर वाला जो पोर्शन है ये तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो वैसे बाहर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना। ये बाहर वाला जो पोर्शन है, दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिस पे हम अभी बात करेंगे थोड़े देर में। ठीक है, उसके बाद अगर तुम देखोगे अंदर की तरफ, उसके बाद थोड़ा अंदर की तरफ आओगे तो तुमको क्या क्या दिख रहा है। देखो पहला मुझे दिख रहा है, देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बाद अगर मैं इधर वाला पोर्शन देखूं तो मुझे क्या क्या दिख रहा है। देखो अ पेयर ऑफ ओवरी, देखो ये ओवरी, ये ओवरी, ठीक है, अ पेयर ऑफ ओवरी दिखा मुझे। ठीक है, उसके बाद यहां भी मुझे क्या दिख रहा है, फेलोपियन ट्यूब। अभी मैं फेलोपियन ट्यूब की बात करूंगा तो इसको हम एक्सेसरी डक्ट ही कह देंगे, फेलोपियन ट्यूब भी तो डक्ट ही है, तो ये तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब हो गया। फिर तुमको ये दिखा पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड जो स्ट्रक्चर है इसको हम कह देंगे यूट्रस, और ये यूरिनरी ब्लैडर है। और यूट्रस के बाद तुमको यहां पे इसका अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो मुझे दिख रहा है ये वेजाइना, और वेजाइना का भी अगर इंटरनल पार्ट मैं तुमको दिखाऊं तो मुझे दिख जाएगा यहां पे वेजाइना के पास सर्विक्स, ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा सर्विक्स। ठीक है, आओ एक बार समझते। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो क्या क्या है सर, सबसे पहले अ पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक है, उसके बाद सर क्या है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें, ठीक है, देखो फैलोपियन ट्यूब की बात करें, ध्यान से देखना, अगर मैं फैलोपियन ट्यूब की बात करूं, सिर्फ तुम्हें मैं फैलोपियन ट्यूब दिखाऊं, ये वाला पोर्शन देखो, ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां पे सबसे जो ओवरी के पास जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं फिम्ब्रे। मैं देखो इसको मार्क कर दूं, तो अगर मैं सिर्फ फैलोपियन ट्यूब की बात करूं तो ये वाला जो रीजन है इसको मैंने क्या बोला सर, इसको मैंने बोला फिम्ब्रे, क्या बोला फिम्ब्रे। ठीक है, अब ये जो ब्रॉड पार्ट है इसका, अब ये जो ब्रॉड पार्ट है इसका, ये वाला जो फिम्ब्रे जहां से जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, जहां से फिम्ब्रे जुड़ा हुआ है इसको हम कह देंगे इन, अरे क्या हुआ भाई, अरे क्यों नहीं ले रहा, हाँ इसको हम कह देंगे इनफंडिबुलम। क्या कर रहा है मेरा, मेरे सब मजे ले रहा है यार, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कह देंगे इन फंडी पेलो। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है जो थोड़ा ब्रॉड पार्ट है इसको हम कहते हैं एम्पुला, इसको हम कहते हैं एम्पुला। और जो एकदम नैरो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्थमस, जो एकदम नैरो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्थमस। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब की अगर हम बात करें तो फेलोपियन ट्यूब में क्या देखा, सबसे पहले जो पार्ट था क्या था, उसको हम कहते थे फिम्बरे। क्या करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, कलेक्शन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, पहला पॉइंट। दूसरा सर क्या था, दूसरा सर क्या था, फिम्बरे के बाद था इनफंडिबुलम। तो फिम्बरे इससे अटैच्ड है, तो फिम्बरे एग को कलेक्ट करेगा एंड ट्रांसफर कर देगा इनफंडिबुलम में, तो फिम्बरे विल कलेक्ट एग एंड ट्रांसफर
टू एंड ट्रांसफर टू टू बताओ इनफंडिबुलम। ठीक है, उसके बाद ये चला जाएगा तीसरा रीजन तो एम्प्यूला। ये ब्रॉड रीजन है, थोड़ा फैला हुआ पार्ट है ना, दिस इज अ ब्रॉड रीजन। और इस ब्रॉड रीजन या एम्पिला को हम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एम्पिला के बाद एक नैरो पार्ट चला जाएगा, एम्पिला के बाद एक नैरो पार्ट चला जाएगा, इसको हम कहते हैं इस्थमस। नैरो पार्ट दैट इज अटैच टू, दैट इज अटैच टू यूट्रस। ठीक है, तो अ पेयर ऑफ ओवरी है, फिर फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के ये पार्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरा सर क्या है? तीसरा है यूट्रस। यूट्रस को सर हम साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चा इम्प्लांट कहां पे होगा? वो यूट्रस में होगा। तो इट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, इट इज साइट ऑफ इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। ठीक है, इट इज टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है सर, ठीक है सर। यूट्रस कैसा है सर? इन्वर्टेड पियर की तरह है, ऐसे टेढ़ा है ना, आपने अभी डायग्राम में देखा, इट इज इन्वर्टेड। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। यूट्रस से क्या है फिर? सर्विक्स, नैरो रीजन होता है बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना, बिटवीन यूट्रस एंड वजाइना। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद बाहर आ जाओगे तो तुमको दिखेगा वजाइना। वजाइना क्या है सर? जहां पे स्पर्म एंटर होगा, तो इट इज द साइट ऑफ इंसेमिनेशन। सेक्सुअल इंटरकोर्स में जो पीनिस है वो वेजाइना में ही जाता है, तो इट इज द साइट ऑफ इनसेमिनेशन। ठीक है सर। अच्छा, एक और सवाल जिसपे, एक और पॉइंट जिसपे सवाल आता है, क्या सर? कि सर्वाइकल केनाल, प्लस वेजाइना, इसको हम कहते हैं सर बर्थ केनाल। सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ केनाल। सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइना इज कॉल्ड बर्थ केनाल। क्लियर? बहुत बढ़िया सर, तो यही वाली बात है। आइए हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं और तुम्हारी लेबलिंग वेबलिंग सब कुछ यहीं पर हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन दैट प्रोड्यूसेस ओवम एंड स्टेरॉयडल हार्मोन, ये तुम्हारा क्या है? ओवरी। ओवरी क्या भैया? 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो किससे जुड़ा हुआ है? तो इट इज ज्वाइंट टू द पेल्विक वॉल बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। तो ओवरी जुड़ा होता है ओवेरियन लिगामेंट के साथ, है ना? ओवरी जुड़ा होता है ओवेरियन लिगामेंट के साथ। ठीक है, अभी ओवरी के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी थोड़ा लेट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ओवरी के बाद तुम्हारा आ गया फेलोपियन ट्यूब। तो देखो यही वाली बात है, तो जो नैरो है दैट इज इस्थमस, जो ब्रॉड है दैट इज एम्पुला, एम्पुला से निकला इनफंडिबुलम, और इनफंडिबुलम ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम कहते हैं फिम्बरे। ये तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब चला जाता है तुम्हारा यूट्रस में, जहां पे इम्प्लांटेशन होता है। यूट्रस के बाद तुमको दिखेगा सर्विक्स, नैरो पार्ट, वेजाइना ब्रॉड पार्ट, और सर्वाइकल केनाल और वेजाइना दोनों मिला दोगे तो ये बना देगा तुम्हारा
बर्थ कैनाल, ये बना देगा तुम्हारा बर्थ कैनाल, इसी पे सवाल आया हुआ था। ठीक है सर, आइए तो यही वाली बात यहां पे देखो। तो इनफंडिबुलम फनल शेप्ड ओपनिंग प्रोवाइडिंग विथ मेनी फिंगर लाइक फिम्ब्रे जो कलेक्शनों को होम करता है। ठीक है, एम्पिला वाइडर पार्ट क्या होगा सर, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, याद रखना बेटा पहले लिखा रहता था साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन, अब क्लियर हो गया है कि एम्पिला है। ठीक है, लाइजेशन, ठीक है, नैरो पार्ट है, इट जॉइन्स द यूट्रस, क्लियर क्लियर सर। ठीक है, यूट्रस की बात करेंगे तो यूट्रस में देखोगे इनवर्टेड पियर शेप्ड होता है, सपोर्टेड बाय हेल्प ऑफ लिगामेंट एंड अटैच टू द पेल्विक वॉल, ऊपर वाला फंडस है, नीचे वाला बॉडी है, और लास्ट में सर्विक्स, सर्विक्स खुल जाएगा तुम्हारा वेजाइना में। ठीक है, सर्विक्स ओपन इन टू द वेजाइना, और वही बात है सर्वाइकल केनाल पर वेजाइना बर्थ केनाल होता है। ठीक है, यूट्रस का तीन लेयर है, तीन प्रोटेक्टिव लेयर होता है यूट्रस का। पहला लेयर है जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। दूसरा मस्कुलर थिक लेयर है, दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, और अंदर वाला जो ग्लैंडुलर लेयर है दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो शेड होता है दैट इज एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो इट इज शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मिडिल लेयर की बात करोगे तो मिडिल लेयर क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन शो करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, स्मूथ मसल है, मतलब तुम्हारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, तो शोज रिगरस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग ड्यूरिंग पार्चुरेशन, जब बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है सर, और पेरीमेट्रियम क्या है सर, इट इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, तो बेसिकली क्या कर रहा है, शेप ऑफ यूट्रस मेंटेन करके रखता है, मतलब प्रोटेक्शन करा रहा है, सिंपल, शेप ऑफ यूट्रस मेंटेन करके रखा है, दैट प्रोटेक्शन करा रहा है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ सर, वजाइना, तो इट ओपन्स इनटू एन एक्सटर्नल एक्सटीरियर बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस, द ल्यूमेन ऑफ वजाइना इज लाइन बाय ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, और बार्थोलिन ग्लैंड होता है, बार्थोलिन ग्लैंड अगेन जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हमें लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस करा रहा था, ये लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना कराता है, ये लुब्रिकेशन ऑफ वजाइना कराता है। ठीक है, अच्छा अब ओवरी की अगर हम बात करें, ओवरी की बात करें तो ओवरी के पास दो रीजन होता है, क्या सर, बाहर वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं कोटेक्स, और अंदर वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं मेडुला। तो ओवरी के पास भी दो रीजन है, आउटर कोटेक्स और इनर मेडुला। अभी ओवरी का स्ट्रक्चर हम जब गैमेटोजेनेसिस देखेंगे तो वहां पे ओवरी का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरी के पास क्या है, दो रीजन, एक आउटर रीजन है दैट इज कॉल्ड कोटेक्स, और एक अंदर वाला रीजन है दैट इज कॉल्ड मेड्यूला। ठीक है, अगला आते हैं सर, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, बाहर से जो देखने में कैसे लगता है इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया, और आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया भी दिखाते हैं सर। तो दिस इज योर एक्सटर्नल जेनिटलिया, आप ध्यान से देखना, बेसिकली क्या होता है ना, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं इसको लेके, ठीक है, और बहुत कम अवेयरनेस है, तो एटलीस्ट तुम लोग मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम लोग को ये चीजें ध्यान से समझनी चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, एक्सटर्नल जेनिटिलिया कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप फीमेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो बाहर से आपको दिख रहा है ना, एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का बाहर से स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, जो बाहर वाला पार्ट है, जो थिक कुशनिंग पार्ट है, जहां पे सब क्यूटेनियस फैट का डिपोजिशन है, सब क्यूटेनियस फैट मतलब बेटा फैट का एक लेयर स्किन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, जहां पे
प्यूबिक हेयर भी है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ठीक, मॉन्स प्यूबिस से थोड़ा नीचे आओगे तो दो फोल्ड दिखेगा तुमको, एक ये फोल्ड एक ये फोल्ड। तो ये बड़ा सा फोल्ड है जो वेजाइना के चारों ओर है। इस वेजाइना के चारों ओर वाले बड़े से फोल्ड को हम कहते हैं लेबिया माइजोरा मेजोरा। इस बड़े से फोल्ड वाले रीजन को हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। ठीक है, अब थोड़ा अंदर की तरफ आओगे तो लेबिया मेजोरा के अंदर भी देखो छोटा सा एक और फोल्ड है। इस फोल्ड को हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। इस फोल्ड को हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ठीक है, अच्छा। अब यहां पे देखो एक छोटा सा पीनिस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, छोटा सा पीनिस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो पीनिस जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्लिटोरिस। और क्लिटोरिस के ऊपर भी देखो एक प्रीप्यूस लगा है, जैसे तुम्हारे पीनिस के ऊपर प्रीप्यूस लगा था, क्लिटोरिस के ऊपर भी एक छिलका लगा है जिसको हम प्रीप्यूस कहते हैं। तो ये तुम्हारा क्लिटोरिस है। इट इज होमोलोगस टू मेल पीनिस। जैसे तुमको पीनिस पे फील आता है, लड़कियों को क्लिटोरियल स्टिमुलेशन पे फील आता है। ठीक है, अब यहां नीचे जाओगे, अब यहां पे आ जाओगे थोड़ा और इधर देखोगे तो तुमको ये देखो एक ये छेद दिख रहा है, ये तुम्हारा वेजाइना है। वेजाइना के चारों ओर कभी कभी म्यूकस का एक लेयर होता है जिसको हम हाइमेन कहते हैं और लोग इसको वर्जिनिटी का साइन मानते हैं, बट बहुत कावर कारण से भी तुम्हारा हाइमेन रप्चर हो सकता है। ठीक है, अच्छा। और ये वाला जो रीजन है जहां से यूरिन निकल रहा है, दैट इज यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो तुम्हारे में क्या है, बॉडी में मेल्स में एक ही यूरेथ्रा से यूरिन भी निकल रहा है और स्पर्म भी निकल रहा है, बट फीमेल में क्या है, यूरेथ्रल ऑरिफिस ऊपर है और वेजाइना नीचे है ना। तो दो छेद तुमको दिख रहा होगा, एक दो है ना, बहुत नहीं। तो आइए इसको अच्छे से हम डिटेल में और बढ़िया से समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, लेबलिंग कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, सबसे पहला पार्ट क्या बोला सर, सबसे पहला पार्ट मैंने बोला क्या, ये वाला। तो ये रीजन मैंने बोला सर जहां पे फैट वाला रीजन है, थोड़ा और नीचे कर लो, यहां पे फैट वाला रीजन है, इसको मैंने बोला मॉन्स प्यूबिस। फिर ये जो रीजन पूरा मैंने बताया यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये तुम्हारे स्क्रॉटल सैक का होमोलोगस, मतलब स्क्रॉटम जैसे ना फैला हुआ, तो इसको हमने बोल दिया लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। और ये जो रीजन है, ये देखो ये जो दिख रहा है, इसको हमने बोला लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये जो है सर ये हो गया क्लिटोरिस आपका, ये आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस है और ये सर आपका वेजाइना है, ये आपका वेजाइना है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो ये है तुम्हारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आई तो देखो भैया, तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंसिस्ट ऑफ क्या, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिबुल जो बाहर वाला रीजन है, ठीक है, हाइमिन एंड क्लिटोरिस। ठीक है, मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय प्यूबिक हेयर। ठीक है, वेस्टिबुल में क्या आ गया तुम्हारा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। याद रखना लेबिया माइनोरा में अंदर आपको हेयर्स नहीं देखने को मिलते हैं, लेबिया मेजोरा में आपको हेयर्स देखने को मिलते हैं। तो बाहर वाला जो फोल्ड है दैट इज लेबिया मेजोरा, अंदर वाला जो फोल्ड है दैट इज तुम्हारा लेबिया माइनोरा। ठीक है, हाइमीन सर क्या हो गया, मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर द वेजाइनल ओपनिंग विच इज यूजुअली टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस, बट बहुत और कारण से भी हाइमीन रप्चर हो जाता है। ठीक है सर, अच्छा। और क्या है सर, क्लिटोरिस अ हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लाइंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग, इसको हम क्लिटोरिस कहते हैं। याद रखिएगा क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू पीनिस। क्लिटोरिस इज होमोलोगस टू पीनिस, क्लियर है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेमोरी ग्लैंड्स की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हर मैमल का फीचर है पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। तो अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड कंटेन्स ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। अब देखो इस पे भी लेवलिंग पे सवाल आता है, ठीक है, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें लो मेमोरी ग्लैंड भी दिखा ही देता हूं। ये है देखो मेमोरी ग्लैंड तुम्हारा, ठीक है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो यहां पे, तो अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो ये वाला जो टे है ये तुम्हारा पूरा ब्रेस्ट हो गया। मैं क्या करता हूं इसको डिसेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, डिसेक्ट कर दिया। अब देखो तुमको यहां पे ध्यान से सब कुछ दिख जाएगा। देखो ये वाला पार्ट देखो, ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है, 15 से 20 ये जो लोब्स है इसको हम कहते हैं मैमरी लोब। तो यहां पे तुमको क्या दिखा, 15 से 20 मैमरी लोब दिखा, ठीक है। अब ये मैमरी लोब के अंदर खूब सारे मैमरी एल्वियोलाई होंगे, मैमरी लोब के अंदर खूब सारे मैमरी एल्वियोलाई होंगे, ठीक है। मैमरी एल्वियोलाई खुलेगा मैमरी डक्ट में, मैमरी डक्ट फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से चला जाएगा जिसको हम मैमरी ट्यूब्यूल कहते हैं। मैमरी ट्यूब्यूल एक वाइड रीजन में खुलेगा जिसको मैमरी एम्पुला कहते हैं, और मैमरी एम्पुला फिर जाके ये जो डक्ट बना रहा है इसको हम कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। एंड दिस लैक्टिफेरस डक्ट इज ओपन इन टू द निप्पल। जिस लैक्टिफेरस डक्ट इज ओपन इन टू द, ये जो रीजन है ये वाला तुम्हारा जो रीजन है इसको हम निप्पल कहते हैं, है? तो दिस लैक्टिफेरस डक्ट ओपन इन टू द निप्पल, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, तो क्या कहा हमने, मेमोरी लोब्स कितना, 15 से 20 मेमोरी लोब हर ब्रेस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद मेमोरी लोब के पास होगा तुम्हारा, मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। तो देखो पहला मेमोरी लोब, कितना सर, 15 से 20, ठीक है। इस मेमोरी लोब के अंदर है मेमोरी एल्वियोलाई जहां पे मिल्क का फॉर्मेशन होगा, अब ये सारा मेमोरी एल्वियोलाई मिलके बनाएगा मेमोरी ट्यूब्यूल, और मेमोरी ट्यूब्यूल से खुलेगा मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से चला जाएगा वाइड पार्ट जिसको हम मेमोरी एम्पुला कहते हैं, और मेमोरी एम्पुला फिर ओपन कर देगा इनटू लैक्टिफेरस डक्ट। मेमोरी एम्पुला फिर ओपन हो जाएगा कहां पे, लैक्टिफेरस डक्ट में, जो मिल्क को निकाल देगा निपल से, एंड मिल्क इज सक्ड आउट, ठीक है। मिल्क सिंथेसिस के लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, सिंथेसिस ऑफ मिल्क कौन कौन सा सर, एक है सर प्रोलैक्टिन और दूसरा है सर प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। और मिल्क निकलने के लिए, मिल्क लेट डाउन हार्मोन की अगर हम बात करेंगे, मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा होगा सर, मिल्क लेट डाउन हार्मोन की बात करेंगे तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन में आ जाएगा आपका, बताइए, मिल्क लेट डाउन हार्मोन की बात करेंगे तो क्या होगा, मिल्क लेट डाउन हार्मोन में आ जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, है ना। मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। मिल्क बना कौन रहा है, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन, मिल्क निकाल कौन रहा है, ऑक्सीटोसिन, क्लियर है, क्लियर है। गैमिटोजेनेसिस की बात करते हैं, ठीक है। तो गैमिटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में ऊजेनेसिस होता है, ठीक है। तो क्या है भाई गैमिटोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन गोनाड्स, ठीक है, मतलब
मेल्स में टेस्टिस में होगा गैमेटोजेनेसिस, फीमेल में ओवरी में होगा गैमेटोजेनेसिस, इसीलिए इनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्मेटो स्पर्म का जेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊ जेनेसिस, ओवम की जेनेसिस, तो ऊ जेनेसिस। ठीक है, अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हुआ सर? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आइए हम समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे काम करता है, ध्यान से सुनो, एक बार में तुम समझ जाओ। स्पर्मेटोजेनेसिस लिखो, स्पर्मेटो, कहां पे हो रहा है सर? इट अकर्स इन टेस्टिस। ठीक है सर, ठीक। तो क्या होता है कि प्यूबर्टी के टाइम पे, कहां पे, जब मेरा प्यूबर्टी आता है, जब मेरा प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी मतलब क्या? जब आपके शरीर में एडोलेसेंट चेंजेस आते हैं, आपकी जवानी आती है, आप चाइल्डहुड से थोड़ा मेच्योरिटी की तरफ जाते हो, है ना, उसको प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, तो जब प्यूबर्टी आती है तो होता क्या है कि आपके बॉडी में खूब सारे स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन होता है। तो जो मेल जर्म सेल था मेरा, जो मेल जर्म सेल था मेरा, या जो डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोगोनियम बना दिया, और जिसकी प्लॉयडी 2n थी, है ना, ये प्लॉयडी है, डिप्लॉयड है ना। तो ये जो मेरा मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम था, ये माइटोटिकली डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, ये माइटोसिस होगा, इसमें माइटोटिकली डिवाइड करना, याद रखना, जहां माइटोसिस हो रहा है वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है, जहां मियोसिस हो रहा है वहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो जा रहा है, याद रखना ये। ठीक है, तो मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनियम खूब सारा क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। सर क्या होगी इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्रायोरिटी? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्रायोरिटी जो होगी सर, वो भी 2n ही होगी। ठीक है, अब इस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, मान लो कि मैं यहां पे तुमको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दूं कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस वन। तो ये क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या है सर इसकी प्लॉयडी? इसकी प्लॉयडी हो जाती है सर एन। इसकी प्लॉयडी हो जाती है सर एन। कैसे? तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स था, इसने दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया जिसकी प्लॉयडी हो गई एन। तो ये था 2n, ये था ठीक है। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा? मियोसिस 2 होगा। तो ये क्या बनाएगा सर? ये क्या बनाएगा सर? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जहां पे मियोसिस 2 हो रहा है, ये क्या बनाएगा सर? ये बना देगा स्पर्मैटिड्स। ये बना देगा स्पर्मैटिड्स। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो स्पर्मैटिड यहां पे कितने बन गए सर? एक यहां से आया इस पे, एक यहां से आया इस पे, एक यहां से आया इस पे, और एक यहां से आया। तो चार स्पर्मेटिड आपके बन गए। क्या है प्लॉयडी सर यहां पे?
यहां भी जो प्लॉयडी है ये प्लॉयडी क्या है, यहां भी जो प्लॉयडी है ये प्लॉयडी क्या है, ये प्लॉयडी है एन। ठीक है, अब इस परमेटिड का हेड जाके एम्बेड हो जाएगा सर्टोली सेल में और इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो ये स्पर्मेटिड जो है मेरा, ये जो स्पर्मेटिड है यहां पे इसका डिफरेंशिएशन होगा। कहां पे? सर्टोली सेल के अंदर। और ये डिफरेंशिएट करके फिर बना देगा मेरा फाइनल स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म, ये डिफरेंशिएट करके मेरा बना देगा स्पर्मेटोजोआ जो स्पर्म है। तो यही अब इसका ये डिफरेंशिएशन होगा, ये डिफरेंशिएट करके इसका हेड और पूंछ बना लेगा, ये डिफरेंशिएट करके इसका हेड नेक मिडिल बॉडी टेल, है ना, ऐसे ऐसे करके ये मेरा स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। स्पर्मेटोजोआ की प्लॉयडी क्या है सर? स्पर्मेटोजोआ की भी प्लॉयडी एन है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। एक सेकंड, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो ध्यान से। रिलीज ऑफ स्पर्म, एक और टर्म, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से स्पर्म का रिलीज हो रहा है, ठीक है, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो स्पर्म का जो रिलीज हो जा रहा है, ठीक है, अब यहां पे बोलता है इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना, ठीक है, इन द और इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वाला एक सवाल यहां पे आता है ना। आइए देखिए, तो यहां पे देखो एक स्टेटमेंट यहां पे होगा, कहा गया, तो देखो आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड्स बिकम इंडिविजुएटेड इन सर्टोली सेल्स, दे आर रिलीज टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड इट इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो सर्टोली सेल से निकल के कहां चला जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, और वहां से निकलता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है सर सबको? हाँ या नहीं? तो फ्रॉम द सर्टोली सेल टू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। ठीक है, ठीक। आई एक बार फटाफट देख लीजिए, तो क्या था? देखो 2N था स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, उसने बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फ्रॉम माइटोसिस, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया स्पर्मेटिड मियोसिस टू हुआ, स्पर्मेटिड में डिफरेंशिएशन हुआ और बना स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, तो स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, ठीक है, और रिलीज ऑफ स्पर्म तुम्हारा, तुम्हारा क्या आ गया? रिलीज ऑफ स्पर्म स्पर्मिएशन हो गया। ठीक है, ठीक है सर। तो स्पर्मेटोकोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएगा, ये क्या हो गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स हुआ, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ हो गया, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ हो गया। ठीक है, तो 4 स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड इन ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, तो एक
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्मेटिड हुआ, चार स्पर्मेटिड या चार स्पर्मेटोज हुआ हो, ठीक। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम्स एम्बेडेड इन सर्टोलिस, और उसके बाद जब वो रिलीज होता है उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो सेमनीफेरस टिब्यूल में जो रिलीज हो रहा है, देखो तीन टर्म है, अगर रिलीज इन सेमनीफेरस टिब्यूल हो रहा है, तो इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। अगर रिलीज इन पीनिस हो रहा है, मतलब पीनिस से रिलीज हो रहा है, रिलीज फ्रॉम पीनिस कर लो, फ्रॉम पीनिस इनटू वेजाइना, तो इसको हम कहते हैं इनसेमिनेशन, ठीक है। और अगर अगर रिलीज फ्रॉम पीनिस आउटसाइड ओनली, मतलब वेजाइना नसीब नहीं हुआ तुमको, तो इसको हम कहते हैं इजैकुलेशन, इजैक्यूलेशन, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। प्लॉइडी देख लीजिए, स्पर्मेटोगोनियम 2n, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स n, स्पर्मेटिड n, स्पर्मेटोजोआ भी n, ठीक, बहुत बढ़िया, क्लियर है। तो ये हो गया तुम्हारा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसमें हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होता होगा, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है वो देखो, बड़ा इजी सा है। हार्मोन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, हार्मोन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, तो देखिए सर क्या हो रहा है। तो आपका हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस है आपका बेटा, ये एक हार्मोन रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा सर, ये जो हार्मोन रिलीज करेगा, इस हार्मोन का नाम है GnRH, क्या कहते हैं इसको, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, कहाँ एक्ट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, हमने दो पार्ट पढ़ा था पिट्यूटरी का, एक एंटीरियर था एक पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर तुम्हारा एडीएच और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता था, एंटीरियर बाकी सारे हार्मोन रिलीज करते थे। तो ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, पे एक्ट करेगा, और आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो दो हार्मोन रिलीज करेगा, कौन कौन सा दो हार्मोन रिलीज करेगा सर, पहला जो हार्मोन है इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, और दूसरा जो हार्मोन है उसका नाम है, इसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, FSH और LH, ठीक है, FSH और LH, ठीक है। तो FSH है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दोनों को बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन, इन दोनों हार्मोन को हम क्या कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन। तो अगर इन दोनों को तुम डब्बे में डाल दोगे तो इन दोनों को हम बोलते हैं गोनाडो ट्रॉपिक, ठीक है सर। अच्छा, अब जो मेरा FSH है ना बेटा, ये एक्ट करेगा किस पे, ये एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे,
ठीक है। और जो मेरा जो LH है ये किस पे एक्ट करेगा सर, ये एक्ट करेगा लेडिंग सेल पे, भी हमने देखा था है ना, ये एक्ट करेगा लेडिंग सेल पे। लेडिंग सेल से LH बोलेगा भैया सुनो ना टेस्टोस्टेरोन रिलीज कराओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्या होगा इस टेस्टोस्टेरोन से, इस टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा। इस टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारा क्या होगा सर, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा। इस टेस्टोस्टेरोन से तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा, इधर सर्टोली सेल एक प्रोटीन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं ABP। तुम्हारे एनसीईआरटी में एग्जैक्ट नाम नहीं दिया है, मैं बस एक लाइन तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। इसको हम कहते हैं ABP, या इसको हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कराता है, एक्यूमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कराता है टेस्टिस में। तो जो लेडिंग सेल ने टेस्टोस्टेरोन निकाला था इसका एक्यूमुलेशन कराता है टेस्टिस में। तो एक्यूमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन टेस्टिस, और इससे क्या होगा, इसी से फिर तुम्हारा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, या इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे इसको, इसको हम कह देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम कह देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब बहुत ज्यादा स्पर्म तो प्रोड्यूस नहीं करना हमको है? बहुत ज्यादा स्पर्म तो प्रोड्यूस नहीं करना। तो जब सर्टोली सेल एक्सेस में, एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जब ये एक्सेस में होगा तो सर्टोली सेल मेरा क्या है, रिलीज करेगा इनहिबिन। क्या रिलीज करेगा, इनहिबिन। इनहिबिन क्या करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देते। इनहिबिन क्या करेगा सर, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस को रोके। तो ये पूरा साइकिल चलता है। इनहिबिन क्या करेगा सर, इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, जो क्या करेगा वो रोके, ठीक है, क्लियर है। ओ, देखो तो यही वाली बात यहां पे। तो हाइपोथैलेमस रिलीजेस गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड दो गोनाडोट्रॉपिन रिलीज करता है, जिसको हम LH कहते हैं और FSH कहते हैं, ठीक है। LH एक्ट करता है लेडिक सेल पे रिलीज एंड्रोजन, जो स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। LH क्या करेगा, LH एक्ट करेगा लेडिक सेल पे जो स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है, और एंड्रोजन फिर स्टिमुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। FSH किस पे एक्ट किया, FSH एक्ट किया सर्टोली सेल पे, जो सिक्रीट किया सम फैक्टर, जो फैक्टर हम बताए थे क्या, सम फैक्टर जो तुम्हारा ABP था, जो एक्यूमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कराएगा, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस होगा, ठीक है। एक्सेस में, एक्सेस में जो आपका सर्टोली सेल है ये प्रोड्यूस कर रहा है इनहिबिन, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म देगा, जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है सर। अब ये डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे लेवलिंग पे सवाल आया है, तो तुम देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। तो यहां पे देखो सबसे नीचे क्या है सर, ये है तुम्हारा स्पर्मेटोगोनियम है ना, ठीक है। स्पर्मेटोगोनियम तुम देखो डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया माइटोटिकली, तो बनाया तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर तुम्हारा डिवाइड किया, बनाया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट तुम्हारा फिर देखो सर्टोली सेल में, ये वाला सर्टोली सेल है तुम्हारा,
ये जो है, ये वाला जो सेल है ये तुम्हारा सर्टोली सेल है, ठीक है। तो सर्टोली सेल में उसका हेड इम्बेड था, तो बनाया स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से फिर लास्ट में निकला स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड से फिर लास्ट में निकला स्पर्मेटोजोआ। तो ये बेटा सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल का ट्रांसवर्स सेक्शन है, सेमिनी फेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये तुम्हारा रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन का क्या रोल होता है हमने वो देख लिया, क्लियर। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ देखें, ठीक है। तो भाई देखो, एक इजैकुलेशन में जो सीमेन निकलता है, जो मेरा सीमेन निकलता है, इट इज 3 to 4 ml इन वॉल्यूम, ठीक है। हर इजैकुलेशन में, एवरी इजैक्यूलेशन क्या होता है कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, 200 to 300 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। हर इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है, ठीक है। अब स्पर्म की बात करें तो सर स्पर्म कैसा है, तो मैच्योर स्पर्म जो है अप्रोक्सीमेटली 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है, ठीक है। अच्छा कैसा होता है स्ट्रक्चर, अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा सा होता है, मान लो कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हेड, ठीक है। हेड के चारों ओर भाई क्या है, हेड के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा हुआ, मतलब ऑब्वियसली एनिमल सेल है, एनिमल सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगा रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेलप्स द होल ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का तीन रीजन बोला हमने, सबसे पहला रीजन है जहां पे हेड, ठीक है, ऐसा हेड होता है पॉइंटी सा, ठीक है। इसके यहां वाले पार्ट में, आगे वाले पार्ट में हेड के एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोम, क्या करता है, स्पर्म का पेनिट्रेशन ओवम में कराता है, स्पर्म का पेनिट्रेशन ओवम में कराता है, कौन कराता है, एक्रोसोम कराता है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी होता है इसके अंदर, तो ये जो रीजन हो गया ये बड़ा सा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है सर, ठीक है। हेड से थोड़ा नीचे हो तो हेड के बाद क्या आता है, गर्दन। तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं नेक, ठीक है। और इस नेक रीजन में मेरे पास होते हैं सेंट्रियोल, मेरे पास होते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। उसके बाद बीच वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं मिडिल पीस, बीच वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं मिडिल पीस, और मिडिल पीस में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है, मिडिल पीस में खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है, यहां पे खूब सारे माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया पूरा एक शीत बनाता है, इस शीत को हम कहते हैं नेबर्नकन, नेबर्नकन शीत, इस शीत को हम कहते हैं नेबर्नकन शीत, इस शीत को हम कहते हैं नेबर्नकन शीत, ठीक है। और लास्ट पीस जो इसका आ जाता है, इसको हम कहते हैं टेल, लास्ट पीस जो इसका आ जाता है इसको हम कहते हैं टेल, ठीक है। तो ये हेड हो गया, ये मिडिल पीस हो गया, और जो लास्ट पीस हो गया दैट इज द टेल, ठीक है। तो हेड में क्या है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, नेक रीजन में क्या है, सेंट्रियोल है,
मिडिल पीस में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको एनर्जी देगा, और टेल क्या है, टेल विल हेल्प इन लोकोमोशन और स्विमिंग। ठीक है ठीक है, तो देखो हेड ओवल शेप्ड फॉर्म्ड ऑफ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम याद रखना मॉडिफिकेशन ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ। ठीक है अच्छा, एक्रोसोम में लाइटिक एंजाइम होते हैं जो स्पर्म का पेनिट्रेशन कराने में हेल्प करता है। बिहाइंड द हेड इज नेक, नेक के पास क्या है सर, सेंट्रियोल है। ठीक है अच्छा, उसके बाद मिडिल पीस आ जाता है, मिडिल पीस में क्या है सर, माइटोकॉन्ड्रिया है और साइटोप्लाज्म है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या चीज के लिए, इनर्जी के लिए चाहिए होता है, जो शीत है उसको हम निबंधन शीत कहते हैं, जो शीत है उसको हम निबंधन शीत कहते हैं। अगला रीजन जो है उसको हम टेल कहते हैं, तो टेल में क्या है सर, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, द स्पर्म मूव्स इन द फ्लूइड मीडियम एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक बाय अंडुलेटिंग मूवमेंट ऑफ द टेल। तो टेल के ही मूवमेंट से स्पर्म का मूवमेंट होता है, टेल के ही मूवमेंट से स्पर्म का मूवमेंट होता है। ठीक है सर, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। देखो एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एक्रोसोम, न्यूक्लियस, नेक, मिडिल पीस, माइटोकॉन्ड्रिया, टेल, और यही वाला निबंधन शीट होता है। ठीक है अब देखो, एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म। अब इसे 200 से 300 मिलियन स्पर्म में एटलीस्ट, इस पे सवाल आया हुआ है, 60% ऑफ द स्पर्म शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% शुड शो रिगरस मोटिलिटी। 40% ऑफ द स्पर्म विल शो रिगरस मोटिलिटी। ठीक है, तो 60% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज, 40% स्पर्म रिगरस मोटिलिटी। ठीक है चल अगला आते हैं, ऊजेनेसिस, है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस जितना सिंपल है ऊजेनेसिस उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट तुम्हें नहीं लगेगा क्योंकि मैं बता रहा हूं। ठीक, तो आप ऊजेनेसिस समझ लो, आराम से समझ लो कि बहुत लोड लेने की जरूरत तुमको है। तो ओवम के फॉर्मेशन को ऊजेनेसिस कहते हैं, तो यहां आ जाओ ऊजेनेसिस, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, अभी पेन साइड रख दो। ठीक है ठीक है, अब देखो अभी स्पर्म में हमने क्या देखा था, स्पर्म में हमने देखा था कि जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है कब तैयार हो रहा है, प्यूबर्टी के बाद, है ना, लड़के जवानी के बाद सोचते हैं इन सब चीजों से। ठीक है, ऊजेनेसिस में भैया फीटल लाइफ से तैयारी हो रहा है बच्चा पैदा करने का, कब से हो रहा है, फीटल लाइफ से, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज से, इतनी दूर की प्लानिंग कर लेती है लड़कियां। तो देखो ऊजेनेसिस में क्या हुआ कि सबसे पहले मेरा बना ऊगोनियम या ऊगोनिया। ठीक, ये कब बना, ये ऊगोनिया बना फीटल लाइफ, और इसी ऊगोनिया जिसकी प्लॉयडी थी 2n, जिसकी प्लॉयडी थी 2n, ये ऊगोनिया माइटोसिस कराएगा, ये ऊगोनिया माइटोसिस कराएगा। ठीक है, ये उगोनिया माइटोसिस कराएगा, इससे इससे बनेगा प्राइमरी ऊसाइट, क्या बनेगा, प्राइमरी ऊसाइट, क्या बनेगा, प्राइमरी ऊसाइट, फीटल लाइफ से बर्थ तक, फीटल लाइफ से बर्थ तक क्या बना, प्राइमरी ओसाइट। ये अर्ली फीटल लाइफ में हो रहा है, ये अर्ली फीटल लाइफ में हो रहा है। ठीक है, कोई प्राइमरी ओसाइट आफ्टर बर्थ नहीं बनता, नो प्राइमरी ओसाइट इज फॉर्म आफ्टर, नो प्राइमरी ओसाइट इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद कोई प्राइमरी ओसाइट नहीं बनता। ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर, बढ़िया। अब इस प्राइमरी ओसाइट पे
इस प्राइमरी ऊसाइट पे, प्राइमरी ऊसाइट पे ही फॉलिकल लग गया। फॉलिकल शब्द छिलका, फॉलिकल ऐड हुआ, ठीक है, और बर्थ से प्यूबर्टी तक, बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या हुआ, लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बन गया। कुछ नहीं, प्राइमरी ओसाइट के ऊपर एक लेवल ऑफ छिलका है, तो दैट इज प्राइमरी फॉलिकल। तो बर्थ से प्यूबर्टी तक 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बन के तैयार हो गया। प्राइमरी फॉलिकल कुछ नहीं बेटा, प्राइमरी ऊसाइट ही है। प्राइमरी फॉलिकल इज नथिंग, बस प्राइमरी ऊसाइट के ऊपर एक लेयर ऑफ छिलका है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल का भी प्लॉयडी क्या होगा, 2n ही होगा। प्राइमरी फॉलिकल का भी प्लॉयडी क्या होगा, 2n होगा, ठीक है। और यही जो प्राइमरी फॉलिकल है ये अरेस्टेड रहेगा प्रोफेज वन के, मियोसिस वन के डिप्लोटीन स्टेज पे। इस पे सवाल आता है, डिप्लोटीन स्टेज पे ये अरेस्टेड रहेगा। कहां पे रहेगा, डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज वन पे ये अरेस्टेड रहेगा, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। अब ये तो हो गया कहां तक की बात, ये हो गया तुम्हारा प्यूबर्टी तक, जो हिसाब किताब है यहां प्यूबर्टी तक की बात हमने कर ली, ठीक है। अब इसी प्राइमरी फॉलिकल पे फॉलिकल फॉर्मेशन होता है या फॉलिकल सिंथेसिस होता है। तो हर ओविलेटरी साइकिल पे, हर 28 दिन पे इस प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर फिर क्या होगा, एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल और होगा, ठीक है। तो ऑन द प्राइमरी फॉलिकल, देखो अब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल कम कम समझना है। ऑन द प्राइमरी फॉलिकल अ न्यू लेयर ऑफ ग्रैन्यूलोसा सेल सेल इज एडेड। क्या कह देंगे सर इसको, इसको हम कह देंगे, इसको हम कह देंगे सेकेंडरी फॉलिकल, इसको हम कह देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल पे एक लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल और ऐड हो गया, तो इसको हमने कह दिया सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, स्पेस इज एडेड एंड अ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा इज एडेड ऑफ ग्रैन्यूलोसा इज एडेड। अब इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कहते हैं टर्शियरी फॉलिकल, इसको हम कह देते हैं टर्शियरी फॉलिकल। सर क्या बोलते हैं हम इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को, हम क्या बोलते हैं इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को सर, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं सर, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम। इस पे सवाल भी आया हुआ है, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम क्या कहते हैं, इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, टर्शरी फॉलिकल हो गया, ठीक। तो ये बन गया तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल। अब ये टर्शरी फॉलिकल मेच्योर कर जाएगा तो इससे बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल से जो मेच्योर फॉलिकल होगा, ये मेच्योर फॉलिकल को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। डायग्रामेटिकली देखना है सर, यहां पे तुमको डायग्रामेटिकली उजनेसिस का दिख जाएगा। तो देखो ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये तुम्हारा प्राइमरी ओवम था, ओवम मतलब प्राइमरी ऊसाइट था, ठीक है।
प्राइमरी ऊसाइट में एक लेयर छिलका का लगा, देखो एक लेयर छिलका का लगा, तो ये प्राइमरी फॉलिकल बनाया। प्राइमरी फॉलिकल के बाद बना सेकेंडरी फॉलिकल, यहां पे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद फ्लूइड स्पिल स्पेस बन गया ये, इसको हम कहते हैं एंट्रम। तो ये तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल बना। टर्शरी फॉलिकल के बाद तुम्हारा ये तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल बन गया, या मेच्योर फॉलिकल बना, जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मेरा सेकेंडरी ऊसाइट प्रेजेंट है या ओवम प्रेजेंट है। अब देखो कैसे होता है, अभी तक तो तुमने फॉलिकल देखा, तो टेक्निकली जो भी हमने फॉलिकल देखा वो टेक्निकली क्या था, वो प्राइमरी ऊसाइट ही था। प्राइमरी ऊसाइट पे ही ग्राफियन फॉलिकल लगा। ठीक है, तो अब होगा क्या कि अब जो मेरा ये प्राइमरी ऊसाइट है, अब जो मेरा ये प्राइमरी ऊसाइट है, क्या प्लॉयडी थी सर प्राइमरी ऊसाइट की? प्राइमरी ऊसाइट की प्लॉयडी थी सर 2n। तो अब जो मेरा ये प्राइमरी ऊसाइट है, इट विल अंडर गो मियोसिस वन, इट विल अंडर गो मियोसिस वन टू फॉर्म, देखो ध्यान से, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? पहला जो एक छोटा सा अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, इस छोटू सा चीज, इस छोटू सा चीज को हम कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, और दूसरा फॉर्म करेगा एक बड़ा सा, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ऊसाइट, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी ऊसाइट। ठीक है, ठीक है, ये सेकेंडरी ऊसाइट का फॉर्मेशन कब हो रहा है? इट इज रिलीज्ड बाय रप्चर ऑफ, इट इज रिलीज्ड बाय रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इट इज रिलीज, इट इज रिलीज कहां से? फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जहां पे LH सर्ज जो होता था, इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, प्लॉयडी इसकी क्या होगी? इसकी प्लॉयडी N है, इसकी प्लॉयडी ठीक है। अब ये वाला मामला मियोसिस वन में ही रहता है, ठीक है, मियोसिस टू तभी होगा जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगा सेकेंडरी ओसाइट में। तो यहां पे एक पॉइंट ऐड करो, देखो अपॉर्चुनिस्टिक कितनी है फीमेल ओवन, मियोसिस टू, तुम तो सब कुछ तो करके तैयार हो, बट ये देखो कितना स्मार्ट है कि ये अपना मियोसिस टू भी तभी कराएगी जब एंट्री ऑफ स्पर्म हो रहा है। तो मियोसिस टू विल अकर ओनली ओनली व्हेन द स्पर्म इज पेनिट्रेटेड इनटू द सेकेंडरी ऊसाइट। तो क्या होगा कि जब यहां पे एंट्री ऑफ स्पर्म हुआ, जब यहां पे एंट्री ऑफ स्पर्म हुआ, तो फिर ये सेकेंडरी ऊसाइट क्या करेगा? तो फिर ये सेकेंडरी ऊसाइट अपना मियोसिस टू कराएगा, तो फिर ये सेकेंडरी ऊसाइट अपना मियोसिस टू कराएगा, और मियोसिस टू के बाद बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी, जिसकी प्लॉयडी है एन, और ओवम जिसकी प्लॉयडी है एन। ठीक है, हैप्लॉयड ओवम को हम ऊटिड भी कहते हैं, हैप्लॉयड ओवम इज कॉल्ड। क्लियर है सर? ठीक, तो देखो क्या था,
उगोनिया था, उगोनिया से बना प्राइमरी ओसाइट। कब बना सर? फीटल लाइफ में। प्राइमरी ओसाइट पे छिलका लगा, बना प्राइमरी फॉलिकल। तो बर्थ से प्यूबर्टी तक क्या बना? प्राइमरी फॉलिकल। कितना प्राइमरी फॉलिकल बना? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। अब इस प्राइमरी फॉलिकल में हर महीने ऐड हो रहा है सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब बन गया तो ग्राफियन फॉलिकल में इंड्यूस हुआ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो बना फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट में जब स्पर्म घुसा तो इंड्यूस हुआ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, तो क्या बना? सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। क्लियर? बहुत। तो ये हो गया आपका ऊजेनेसिस, ये हो गया आपका ऊजेनेसिस। ठीक, ये डायग्राम देख लो, ओवरी का इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है सीक्वेंस, तुम देख लो इसमें सीक्वेंस लेवलिंग का ऐसा होता है। तुम्हारा बना प्राइमरी फॉलिकल, फिर उसके बाद बना तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद बना तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल कैसे दिखेगा? टर्शरी फॉलिकल के पास फ्लूइड फिल्ड स्पेस होगा जिसको हम एंट्रम बोलेंगे, और उसके बाद बना ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। ठीक है, तो ये देगा सेकेंडरी ऊसाइट और कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में भी बात करेंगे हम कैसा होता है। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम फिर डीजनरेट कर जाएगा अगर प्रेगनेंसी नहीं होता, प्रेगनेंसी होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता, तो दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजनरेट करता है तो ये बनाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है, ये कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होगा, कॉर्पस एल्बिकेंस व्हाइट कलर का होगा। ठीक, पोलर बॉडी क्या होगा सर? पोलर बॉडी आपका डीजेनरेट कर जाएगा। पोलर बॉडी क्या करेगा? पोलर बॉडी आपका डीजेनरेट कर जाएगा। पोलर बॉडी आपका डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा इसका थ्योरी एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, तो क्या सर? इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेच्योरेशन ऑफ ओवम, बिल्कुल, टेक्स प्लेस इन ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, ऊजेनेसिस इज इनिशिएटेड इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन मिलियंस ऑफ एग मदर सेल आर फॉर्म्ड विद इन ईच ओवरी। बर्थ के बाद कोई उगोनिया नहीं बनता, आपको मैंने बताया। ठीक है, उगोनिया बनाया प्राइमरी ओसाइट्स। ठीक है, प्राइमरी ओसाइट एंटर कर गया प्रोफेज वन के, मियोसिस वन के डिप्लोटीन में। ठीक है, और इसी स्टेज पे अरेस्टेड रहता है टिल प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक प्राइमरी ओसाइट पे फॉलिकल लग जाता है, और प्यूबर्टी तक हमको 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल दिखता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल पे और लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल बना तो सेकेंडरी फॉलिकल बना। सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में बन गया। टर्शरी फॉलिकल के पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसपे सवाल आया था, एंट्रम कहते हैं। ठीक है, बाहर वाला जो लेयर होता है टर्शरी फॉलिकल का उसको थीका एक्सटर्ना कहते हैं, अंदर वाला जो लेयर होता है उसको थीका इंटरना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी ओसाइट्स इन द टर्शरी फॉलिकल अंडरगोज अनइक्वल डिवीजन टू फॉर्म एक सेकेंडरी ओसाइट और एक ओवम। ठीक है, अब उसके बाद जब ये रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है, जब ये रप्चर होगा तो हमको सेकेंडरी ओसाइट और तुमको क्या दिख जाएगा? पोलर बॉडी दिखने लगेगा। ठीक है, तो व्हेन द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी ओसाइट फ्रॉम द ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, तो रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो, देखो उगोनिया 2N46, प्राइमरी ओसाइट 2N, ये क्या किया है यहां पे, सब जगह ये प्राइमरी कर दिया, सेकेंडरी ओसाइट। ठीक है, और उसके बाद ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है सर, तो ये पूरा हो गया। हाँ, पोलर बॉडी तुम्हारा डीजनरेट कर। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम देखोगे तो क्या क्या दिख रहा है सर? देखिए, सबसे पहला जो सबसे बाहर का लेयर है दैट इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटर। क्या करता है? गाइड द स्पर्म इन टू द ओवम। ठीक है, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटर गाइड द स्पर्म
इनटू द ओवम, ठीक है। उसके बाद सर क्या है, जोना पेलिसुडा, तो ये क्या होता है, ये इट रिएक्ट्स विथ एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी, जब एक स्पर्म घुस गया तो ये लॉयल्टी दिखाता है, इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ठीक है, प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ठीक है। उसके अंदर वाला जो लेयर है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और उसके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो सबसे बाहर है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, उसके बाद है जोना पेलुसिडा और उसके बाद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख लो, ओवम बहुत बड़ा होता है स्पर्म से, वो 6 माइक्रोमीटर का था, ठीक है, ये 0.2 मिलीमीटर का है, तो ये ओवम बहुत बड़ा होता है स्पर्म से, ओवम बहुत बड़ा होता है स्पर्म से, क्लियर। एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस देख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस में, ओजेनेसिस ओवरी में, यहां पे लिमिटेड ग्रोथ फेज है, यहां पे इलेबोरेटेड ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज क्यों, बर्थ से वहां तक चल रहा है, यहां तो सिर्फ प्यूबर्टी में हो रहा है, ठीक है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितना, 4 स्पर्मेटोजोआ दे रहा है, यहां पे एक प्राइमरी ऊसाइट एक ओवम दे रहा है, ठीक है। यहां पे पोलर बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पे पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज पे शुरू होता है, और ये हमेशा चलते रहता है, प्यूबर्टी से लेके बुढ़ापे तक चलेगा, ये मेनोपॉज के बाद रुक जाता है, क्लियर। जब मेनोपॉज की बात आई है तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। आओ आओ, मेंस्ट्रुअल साइकिल ध्यान से सुनना, ये समझ जाओगे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ध्यान से सुनो बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक। कितने दिन का होता है सर, ये होता है आपके 28 दिन का, ठीक है, तो मान लो मैं यहां से शुरू कर दूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, बचपन कितना अच्छा था, 23 24 25 26 27 28, यही करना होता था और इसी में हमारा जीवन अच्छा निकल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज है काम का, जो तुम्हारा 14 डे है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलता है सर, इट लास्ट फॉर 28 to 29 days, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसको हम कहते हैं मीनार्क, है ना, जो इसका ऑनसेट होता है इसको हम कहते हैं मीनार्क, ठीक है, और जो इसका स्टॉपिंग होता है इसको हम कहते हैं मेनोपॉज, जो इसका स्टॉप होता है इसको हम कहते हैं मेनोपॉज, ठीक है। ऑनसेट इज मीनार्क और जो स्टॉपिंग है दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है, ठीक है सर, बहुत। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले एक एक करके बात करूं, ठीक है। तो फेज कौन कौन सा है, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहला जो फेज होता है, इस फेज को हम कहते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज। तो तुम्हारा जो एंड्रोमेट्रियल लाइनिंग है उसी में जो चेंज आ रहा है उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और यही जो शेड होता है एंड्रोमेट्रियम लाइनिंग उसको हम ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। तो जो तुम्हारा सबसे पहला फेज होगा,
सबसे पहला फेज होगा ये वाला जो फेज है, इसको हम ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम? इसको हम ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे। ओहो, क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, यही जो ब्लड निकल रहा है दैट इज द ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन तक सर? 1 से 4 दिन, 5 दिन, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद मेरा फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रहा है, 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 बन रहा है। मेरा फिर से एंडोमेट्रियम लाइनिंग बन रहा है सर, बन रहा है, 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 बन रहा है। ये बनेगा कहाँ तक? 22 दिन तक बनेगा, और उसके बाद फिर ये 22 दिन तक बनेगा, और उसके बाद फिर ये थोड़ा नीचे चला जाएगा। ये मेरा एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो 22 दिन तक बना, उसके बाद ये फिर ये तुम्हारा क्या है? थोड़ा नीचे चला गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो फेज है, ये तुम्हारा जो फेज है, ये तुम्हारा कौन सा है? ग्राफियन वॉल, मतलब तुम्हारा जो थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ? फिर से देखो, फिर से देखो क्या हुआ कि जब तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, जब तुम्हारा मेंस्ट्रुअल फेज हुआ, तो उसके बाद से ये ऐसे बढ़ रहा, बढ़ा बढ़ा रहा, 22वें दिन तक मैक्सिमम पीक पे जाएगा, और उसके बाद फिर धीरे 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 तुम्हारा ये कम होता जाएगा, जैसे जैसे हार्मोन कम होगा, और फिर तुम्हारी ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये यहां से यहां तक तो तुम्हारा जो हो गया, कौन सा फेज हो गया? यहां तक ब्लीडिंग फेज हो गया, पहले से 5वें दिन। ठीक है, 5वें दिन से 13वें दिन तक या 14वें दिन के पहले तक, इस वाले फेज को हम कहते हैं प्रोलीफरेटिव फेज। इस वाले फेज को हम कहते हैं प्रोलीफरेटिव फेज। कौन सा फेज कहते हैं? प्रोलीफरेटिव फेज। ये टेक्निक ना, ये वाला चीज अगर तुम मेंस्ट्रुअल साइकिल ठीक से समझ जाते हो तो तुम्हारा जीवन भी बहुत अच्छा बीतेगा, है ना? प्रोलीफरेटिव फेज। अब बोलोगे सर मेरे किस काम का? तुम्हारी गर्लफ्रेंड शायद बीवी का मूड इसी साइकिल पे चलता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोलीफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, क्लियर है सर? क्लियर है सर? क्लियर है सर? अच्छा, 14वें दिन मेरा ओव्यूलेशन होता है, जो 14वां दिन है मेरा, 14th डे, यहां पे मेरा ओव्यूलेशन होता है सर। तो ये 14th डे जो है मेरा, दैट विल बी द ओव्यूलेटरी फेज, दैट विल बी द ओव्यूलेटरी फेज। तो ये वाला जो फेज है, इसको मैं बोलूंगा ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है सर? अच्छा, उसके बाद मेरा यहां से लेके 22वें दिन तक, यहां से लेके 22वें दिन तक जो फेज है, इसको मैं बोलता हूं ल्यूटियल फेज। ठीक है, और 22वें के आगे हो जाएगा तुम्हारा 22 से 28 जो है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ल्यूटियल फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ल्यूटियल फेज। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत? तो क्या क्या फेज हुआ तुम्हारा सर? मेंस्ट्रुअल फेज पहले से 5 दिन तक, उसके बाद फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, 14वें दिन तुम्हारा ओव्यूलेशन हो गया तो ओव्यूलेटरी फेज, फिर तुम्हारा लूटियल फेज आएगा, फिर तुम्हारा पोस्ट लूटियल फेज आएगा। क्लियर है सर? क्लियर है सर? बहुत ठीक है। अब यहां पे फॉलिकल ही बन रहा होगा, तो देखो कौन कौन सा फॉलिकल कैसे कैसे बनता है सर। तो सबसे पहले देखोगे, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद प्राइमरी फॉलिकल तो मेरा बना हुआ है, तो मेरे पास प्राइमरी फॉलिकल रेडी है। ठीक है, अब इस प्राइमरी फॉलिकल पे लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स और ऐड हुआ, तो ये बनाया आपका सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में मैंने फ्लूइड फिल्ड स्पेस डाल दिया, तो ये बनाया टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल को मैंने और अच्छे से अरेंज करके यहां पे मियोसिस 1 कंप्लीट करा के मैंने बना दिया ग्राफियन फॉलिकल। अब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करेगा, रिलीज करेगा ओवम या सेकेंडरी ऊसाइट,
तो ये होगा ओव्यूलेटरी फेज में, और उसके बाद पीला कलर और थोड़ा डार्क पीला नहीं मिलेगा, डार्क पीला, उसके बाद उसके बाद उसके बाद पेल येलो कलर का एक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब डीजेनरेटिंग ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तो फिर ये बना देगा व्हाइट कलर का सब्सटेंस। अब इसको व्हाइट तो दिखेगा नहीं तुमको, तो हम पीला ही कर दिए, इसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकंस। ठीक है, आओ मार्क करो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, ये आ जाएगा तुम्हारा ओवम, ये आ गया तुम्हारा कॉर्पस ल्यूटियम, ये आ गया तुम्हारा कॉर्पस एल्बिकेंस, है ना, ये आ गया तुम्हारा कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक, तो ये तुम्हारा ओविलेशन कैसे कैसे हो रहा है ये तुमको दिख रहा है। ठीक है, इसका सिंक्रनी तुमको मैं समझाऊंगा। ठीक, अब तो हार्मोन क्या क्या प्रोड्यूस होगा सर, हार्मोन क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है बताइए। तो पहले तो गोनाडोट्रोपिन देख लेते हैं, गोनाडोट्रोपिन मतलब FSH और LH, पहले तो गोनाडोट्रोपिन देखते हैं, गोनाडोट्रोपिन कौन सा होगा, FSH और LH, तो बात कर लेते हैं गोनाडोट्रोपिन के। देखो गोनाडोट्रोपिन में क्या है, गोनाडोट्रोपिन कौन कौन सा था, FSH और LH, हमने बात की थी FSH, FSH का काम क्या होता है, FSH फॉलिकल बनाता है, अभी तुम हार्मोनल साइकिल में मैं दिखाऊंगा, तो FSH क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ फॉलिकल करेगा, तो कहां पे FSH का लेवल ज्यादा होगा, FSH का लेवल मेरा ज्यादा होगा सर कहां पे बताइए, कहां पे ज्यादा होगा FSH का लेवल, FSH का लेवल मेरा ज्यादा होगा जहां पे फॉलिकल बन रहा है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने यहां कम से शुरू किया, यहां तक ओविलेशन तक गया, और फिर उसके बाद उसका लेवल इसका कम हो गया, सॉरी बन गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां पे बढ़ा थोड़ा सा, फिर उसके बाद यहां से कम हो गया, ये मेरा FSH का लेवल होगा, हाँ या नहीं, क्लियर है, कॉमन सेंस यूज करोगे, FSH का काम क्या है सर, फॉलिकल बढ़ाएगा, तो जब फॉलिकल बनना होगा तभी FSH का लेवल ज्यादा होगा ना, बढ़ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा होता है सर, इसको हम कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH का काम है ओविलेशन कराना, तो LH क्या होगा, जब ओविलेशन का समय आएगा तो आपको LH का लेवल बहुत बड़ा हुआ दिखाई देगा, उसके बाद LH का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ये दूसरा जो हार्मोन हो गया लाल वाला, इसको हम कह देंगे LH। ठीक है, और ये जो पॉइंटी पार्ट जो ऐसे निकला हुआ है जो ओविलेशन करा रहा है, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। ठीक है, तो ये LH सर्ज के कारण ही क्या होता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है, और रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल के वजह से ओव्यूलेशन होता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल की वजह से क्या होता है सर, ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, आइए एक और बंटवारा कर दीजिए सर, फिर अब दूसरा हार्मोन देख लेते हैं, तुम्हारा ओवेरियन हार्मोन, लोगों को दुनिया में जितना दुख है सिर्फ इसी हार्मोन के कारण है। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा नीचे करते हैं, थोड़ा सा नंबर देख के तुम क्या करोगे, नंबर मुझे दिख रहा है ना, तो मैनेज कर लेना तुमको। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं ताकि मेरे लिए ओवेरियन हार्मोन के लिए जगह बचे। ठीक, अच्छा, अब ओवेरियन हार्मोन में देखो सर, दो हार्मोन है, एक होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन, एक होता है ईस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ईस्ट्रोजन क्या क्या काम करता है, ईस्ट्रोजन का काम होता है तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कराता है, अभी मैं लिखवा दूंगा, अभी मैं हार्मोनल एक्शन बताऊंगा तो सब लिखवा दूंगा। ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कराता है, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब तुमको सेक्स के लिए रेडी कर रहा है, तुमको बच्चा पैदा करने के लिए रेडी कर रहा है ना, तो कब रेडी करना होगा, एक बार ओव्यूलेशन से पहले और एक बार ओव्यूलेशन के बाद, एक बार तुमको ओव्यूलेशन से पहले रेडी करना है, एक बार तुमको ओव्यूलेशन के बाद रेडी करना है, तो भैया कैसे होगा, देखिए देखिए कैसे होगा, तो ईस्ट्रोजन का अगर हम लेवल की बात करें तो पहला जो बड़ा पीक होगा, बड़ा पीक दिख रहा है, बड़ा पीक, ये कब होगा, ये ओव्यूलेशन के टाइम पे होगा, और उसके बाद दूसरा एक छोटू सा पीक होगा, छोटू सा पीक कहां पे आएगा, छोटू सा पीक आएगा जब 22वें दिन के आसपास, छोटू सा पीक आएगा। ठीक है,
ठीक है सर, एक बड़ा पीक और एक छोटा पीक, बड़ा पीक और एक छोटा पीक, देखा। तो ये सर क्या है, ये ईस्ट्रोजन है, यह है ईस्ट्रोजन, ठीक है। पहली बार ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ ओवरी से और दूसरी बार ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ कॉर्पस लूटियम से, ठीक है। अच्छा दूसरा सर क्या है, दूसरा सर क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या है सर, यहां से देखो, प्रोजेस्ट्रॉन का काम सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी मेंटेन करना होता है। तो ये वाला जो, ये तो ये वाला जो आया, ये तुम्हारा आ गया प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्ट्रॉन कहीं नहीं बढ़ा रहेगा, प्रोजेस्ट्रॉन सिर्फ सिर्फ लूटियल फेज में बढ़ा रहेगा, ठीक है। तो अब तुमसे सवाल पूछे कि कौन कौन सा ऐसा हार्मोन है जो ओव्यूलेशन के टाइम पे पीक करता है। तो कौन कौन सा हार्मोन है सर, LH है, FSH है और ईस्ट्रोजन है। कौन सा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने का काम करता है, तो सर प्रोजेस्टेरोन। अब इसका हार्मोन रेगुलेशन भी समझ लो साथ के साथ, तो तुम्हें बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका हार्मोन रेगुलेशन भी एक बार साथ के साथ समझ लो तो तुम्हें और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हार्मोन रेगुलेशन पे आते हैं, क्या था, क्या था हार्मोन रेगुलेशन में, हाइपोथैलेमस है, क्या रिलीज किया सर, हाइपोथैलेमस रिलीज किया GnRH, हाइपोथैलेमस GnRH सेम होता है मेल फीमेल में, ठीक है। ये फिर किस पे ऐड किया, ये फिर ऐड किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज हुआ सर, गोनाडोट्रॉपिन रिलीज हुआ। कौन कौन सा गोनाडोट्रॉपिन था सर, अपना एक था FSH जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और दूसरा था LH जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। तो एक हो गया FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। दूसरा क्या था सर, दूसरा था LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है सर, ठीक है। तो क्या क्या, FSH और LH। FSH मैंने क्या बताया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल के ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है। तो क्या करेगा FSH, स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर ग्रोथ, स्टिमुलेट्स फॉलिक्यूलर ग्रोथ। अच्छा दूसरा हमने क्या देखा, LH, LH क्या होता है, LH क्या करता है, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज ओवम। ओवम देखो टेक्निकल टर्म तो सेकेंडरी ओसाइट है, बट बोलचाल की भाषा में हम ओवम बोल देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भावुक नहीं हो जाना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी भी उसको बोलचाल की भाषा में ओवम ही बोलता है, ठीक। तो ये मेरा गोनाडोट्रॉपिन था, ये मेरा गोनाडोट्रॉपिन का फंक्शन, तो तुमको समझ में आ गया, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हुआ गोनाडोट्रॉपिन, क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक, ये गोनाडोट्रॉपिन की हमने बात कर दी। अब ओवेरियन हार्मोन की बात कर लेते हैं, तो ओवेरियन हार्मोन की बात करो, ओवेरियन, अब यहां पे देखना कुछ कुछ प्रोड्यूस होता है हार्मोन, देखो ध्यान से कौन कौन सा है सर, पहला ईस्ट्रोजन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट इन फीमेल, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराएगा, है ना, तैयार करेगा बॉडी को बच्चा पैदा करने के लिए, ठीक है। दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन, क्या कराता है, बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट काम, पहला सिंथेसिस ऑफ मिल्क कराता है, पार्चुरेशन के टाइम पे सिंथेसिस ऑफ मिल्क, पहला, ठीक है। दूसरा
मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मेंटेन्स एंडोमेट्रियल लाइनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा एक और हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं इनिबिन, कि अगर बच्चा नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे देगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और एक और हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं रिलैक्सिन, ये क्या करता है, ये उसके टाइम पे काम करता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो ये करता है डायलेशन ऑफ प्यूबिस सिंफाइसिस, प्यूबिस सिंफाइसिस जो तुम्हारा प्यूबिक रीजन है, ताकि फैल जाएगा प्यूबिस सिंफाइसिस तभी तो बच्चा निकलेगा, है ना। तो डायलेशन ऑफ प्यूबिस सिंफाइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि बच्चा निकलने में आसानी हो, ठीक है। अब देखो काम की चीज, ईस्ट्रोजन का जो पहला पीक है वो किसके कारण हुआ था, ओवरी के कारण। तो जो फर्स्ट पीक ऑफ ईस्ट्रोजन हमने देखा था वो किसके कारण हुआ था सर, ओवरी के कारण। और जो सेकेंड पीक ऑफ ईस्ट्रोजन हम देखते हैं वो किसके कारण होता है, वो कॉर्पस लूटियम के कारण होता है, ठीक है सर, ठीक है सर। प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज कॉर्पस लूटियम से ही होता है, रिलीज कॉर्पस लूटियम से ही होता है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत। तो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हार्मोन्स को खत्म कर लिया, डन। आओ एक बार एनसीईआरटी देख ले क्या कहती है। तो इन द इट इज अ साइक्लिक इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव पीरियड, तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, 28 से 29 दिन का होता है, ठीक है। इट इज सीन इन प्राइमेट्स, प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और नॉन प्राइमेट्स में ईस्टर साइकिल होता है, नॉन प्राइमेट्स में ईस्टर साइकिल होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड्स ओवेरियन साइकिल एंड यूट्राइन चेंजेस, जो आपको हो गया, जो हमने एंडोमेट्रियम लाइनिंग के चेंजेस देखे। तो देखो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, क्या हुआ भैया, यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो शेड हुआ, तो वहां पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग एंड यूट्राइन ब्लड वेसल्स दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, ठीक है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मीनार कहते हैं, और जो 40 42 50 साल में जो स्टॉप हो जाता है उसको मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, 6 दिन से 13वें दिन तक तुम्हारा सॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज है, यहाँ पे LHFSS का लेवल बढ़ जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन होगा फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल या ओवरी कह सकते हो उसको, ठीक है। प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूट्राइन एंडोमेट्रियल एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट, और उसके बाद ईस्ट्रोजन क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है, और LH का सिक्रीशन कराएगा, उसके बाद सर ओविलेटरी फेज या तुम्हारा, तो क्या हुआ, LH और FSH अटेन अ पीक, तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH के कारण सर्ज होता है और इससे ओविलेशन होता है, ठीक है। सिक्रीटरी फेज की बात करेंगे तो ग्राफियन फॉलिकल इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ येलो मास ऑफ एंडोक्राइन टिश्यू, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, पेल येलो कलर का जो होता है इसको हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्ट्रॉन और ये भी सिक्रीट करता है ईस्ट्रोजन भी, क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग करता है ये सिक्रीटरी फेज में। तो सिक्रीटरी फेज इज डिवाइड टू लूटियल एंड पोस्ट लूटियल फेज, ठीक है।
तो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, कॉर्पस लूटियम के बाद कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। हाँ, ईस्ट्रोजन का सेकेंड पीक जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम के कारण आता है, क्लियर। फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन क्या है सर, मेक्स द एंडोमेट्रियम लाइनिंग थिक फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इनहिबिट्स एफएसएस सिक्रीशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंड ओवेरियन फॉलिकल। अब देखो, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होगा तो एफएसएस का लेवल कम होगा, क्योंकि एक बार में दो ओवुलेशन थोड़ी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट अकर, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट कर जाएगा, इससे क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन इस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाएगा, इससे क्या होगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग का शेडिंग हो जाएगा, ठीक है। 50 साल के बाद मेनोपॉज रुक जाता, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैंने बताया था कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला होता है, ठीक है। तो होता क्या भाई, तो सबसे पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, जिसको कॉपुलेशन कहते हैं। सीमेन जो रिलीज हुआ वो कहाँ रिलीज हुआ, वेजाइना में। वेजाइना में जब सीमेन रिलीज होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है। अब स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज करेगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है सर, इट अकर्स इन द एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, इट अकर्स इन द एम्प्यूला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म क्या होता है, स्पर्म गया वजाइना में, वजाइना से गया सर्वाइकल केनाल में, सर्वाइकल केनाल से गया यूट्रस में, और यूट्रस से चला गया इस्थमस में, ठीक है। इस्थमस से गया एम्पिला में, ठीक। ओवम भी कलेक्ट हुआ, ठीक है, फिमरे में चला गया, फिमरे से कलेक्ट हुआ, इनफंडिबुलम में गया, और इनफंडिबुलम से ओवम भी आ गया एम्पिला पे, और यहां पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, ठीक। तो यही वाली बात है कि कब फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन विल हैपन ओनली इफ ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। अगर ओवम और स्पर्म को साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सो ऑल कॉपुलेशन विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल कॉपुलेशन विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। अगर अगर ओवम उस टाइम पे रिलीज ही नहीं हुआ या 14 डे के आसपास तुमने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया तो इट विल नॉट लीड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। अब प्रोसेस क्या होता है, स्पर्म सबसे पहले कैसे जाएगा, देखो स्पर्म पहुंचा एम्पुला पे, ठीक है, तो स्पर्म सबसे पहले कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करेगा, तो इट पेनिट्रेट्स कोरोना रेडिएटा। ऑब्वियसली जब ये कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर रहा है तो कोई एंजाइम होगा, तो उसको वही वाला बोलो कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम। यहां पे एक एंजाइम होता है रिलीज करता है स्पर्म जो हेल्प करता है इसमें, तो कोरोना रेडिएटा पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक। उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद ये चला गया जोना पेलिसुडा लेयर में। अब ये जो है जोना पेलिसुडा लेयर में एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जिसको हम कहते हैं ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन, अगेन तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैं बता देता हूं। तो ये वहां उसके साथ बाइंड कर जाता है और देन इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, तो इट प्रिवेंट्स या ब्लॉक्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, ब्लॉक्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, तो ये पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर देता है जोना पेलिसुडा लेयर, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलिसुडा लेयर, इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ठीक है। उसके बाद जो एक्रोसोम का सिक्रीशन था, जो एक्रोसोम का सिक्रीशन था, जो एंजाइम था उसमें, उस क्या करता है, पेनिट्रेशन ऑफ एग कराता है, ठीक है, वाया जोना पेलिसुडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है एग, ठीक है। जैसे ही पेनिट्रेशन ऑफ एग होता है सेकेंडरी ऊसाइट में, जो हमने अभी देखा था, जैसे ही पेनिट्रेशन ऑफ एग होता है सेकेंडरी ऊसाइट में, तो क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और एक ओवम रिलीज होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा और एक ओवम रिलीज होगा, सेकेंड पोलर बॉडी होगा, पोलर बॉडी डिजेनरेट कर जाएगा और ओवम स्पर्म के साथ फ्यूज करके डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा। तो स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा,
जायगोट बनेगा, और इसी चीज को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इसी चीज को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है, बट हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ठीक है। वैसे तीन स्टेप होता है इसमें। एक पहला स्टेप होता है साइटोप्लाज्म, दोनों का फ्यूज होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, इसको हम कहते हैं कैरियोगैमी, और उसके बाद दोनों का क्रोमोसोम इंटरमिंगल होता है, इसको हम कहते हैं एम्फीमिक्स। अगेन तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मैं इतना डिटेल में इसको लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे लिए यही चार लाइन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिस पे सवाल आया हुआ, जो सवाल आया वो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब जाइगोट में जो डिविजन होते हैं, इन डिविजन को हम कहते हैं क्लीवेज। यहां से अब क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। क्या होता है सर क्लीवेज में? तो इस क्लीवेज में तुम्हारा जो सेल का साइज है वो सेम रहता है, सिर्फ डिवीजन होते जाते रहता है। मतलब मान लो कि मेरा जाइगोट इतना बड़ा है, तो जब ये टू सेल स्टेज में भी बनेगा तो ये कुछ ऐसा ही होगा, इतना बड़ा ही होगा, और इसमें टू सेल होगा। जब ये फोर सेल स्टेज में भी जाएगा तो इतना बड़ा ही रहेगा, इसमें दो तीन चार सेल हो जाएगा, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो क्लीवेज में क्या होता है, क्लीवेज में क्या होता है कि साइज ऑफ द इंडिविजुअल सेल सेम रह जाता है, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन जल्दी जल्दी होता है। तो यही बात यहां पे कह रहा है क्या, कि जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं। जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम क्लीवेज कहते हैं, एज इट मूव टुवर्ड द स्टोमा। तो ये साथ के साथ स्टोमा की तरफ भी जाता रहेगा, ठीक है, टुवर्ड द यूट्रस, एंड फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो जब तक ये 16 सेल स्टेज तक है, तब तक हम इसको ब्लास्टोमियर ही बोलते हैं। डिवीजन कौन सा हो रहा है? माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, तो प्लॉइडी क्या रह जाएगी? प्लॉइडी 2n ही होगी इनकी, ठीक है। ब्लास्टोमियर की भी प्लॉइडी जो है सर, ये 2n ही होगी, ठीक है। तो ये 2 सेल बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 डॉटर सेल बना। 8 से 16 डॉटर में तुम्हारा जो ब्लास्टोमियर कहते हैं, है ना, 8 से 16 सेल स्टेज को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। बट सेल विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, 8 to 16 सेल नहीं, ब्लास्टोमियर्स, ठीक है, इट इज कॉल्ड मॉरुला, ठीक है। याद रखिएगा, मॉरुला आपका सॉलिड होता है, मतलब मलबरी शेप्ड, ऐसे गोल सा बॉल जैसा होता है, सॉलिड बॉल की तरह होता है, ठीक है। अच्छा, अब मॉरुला में फिर डिवीजन होगा, और ये डिवाइड होके बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। कैसा ब्लास्टोसिस्ट होगा सर, ये मैं दिखाता हूं। ये डिवाइड करके बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, मॉरुला मान लो कि गोल स्ट्रक्चर था जो चारों ओर एक जैसा था, यूनिफॉर्मिटी। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे डिवीजन थोड़ा हो जाएगा, दो तरह के सेल बन जाएंगे, ये है, ठीक है। बाहर वाला जो सेल है, जो ये आउटर सेल है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट, ट्रोपो ब्लास्ट, और इसके अंदर भी सेल्स होंगे। इन सेल्स को हम कहते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास, मॉल लिख दिया मैंने, इनर सेल मास। और जो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, ब्लास्टो सील। क्या कहते हैं इस फ्लूइड को? इस फ्लूइड को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो यही वाली बात है। तो इन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर्स आर अरेंज इनटू ट्रोपोब्लास्ट, ठीक है, आउटर लेयर, एंड इनर सेल मास दैट इज अटैच्ड टू ट्रोपोब्लास्ट, जो इनर लेयर है। तो बाहर वाला लेयर इज ट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाला लेयर इज इनर सेल मास, ठीक है। नाउ द ट्रोपोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम, ट्रोपोब्लास्ट किसके साथ अटैच हो गया? एंडोमेट्रियम के साथ। और इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, है ना। तो ट्रोपोब्लास्ट अटैचमेंट ऑफ एंडोमेट्रियम करेगा, जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, और इनर सेल मास एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। तो आफ्टर अटैचमेंट यूट्राइन सेल डिवाइड्स रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। अब यूट्राइन सेल क्या होगा?
ब्लास्टोसिस को कवर कर देगा और इन दोनों के इंटर डिजिटेशन से प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है। दस ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स इंबेडेड इन द एंडोमेट्रियम एंड दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन विच लीड्स टू प्रेगनेंसी। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है सर? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस है। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन क्या है सर? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूट्रस है, ठीक है। नाउ द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री जर्म सेल्स। इनर सेल मास तीन जर्म सेल्स में डिवाइड को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन वो ब्लास्टुला से था, यहां गैस्ट्रुलेशन स्टेज है, ठीक है। तो सबसे बाहर वाला जो है दैट इज कॉल्ड एक्टोडर्म, बीच वाला जो है दैट इज कॉल्ड मीजोडर्म, और अंदर वाला जो है दैट इज कॉल्ड एंडोडर्म, ठीक है। अब बोलोगे सबसे पहले ओरिजिनेशन क्या होता है? सबसे पहले एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन होगा, फिर मीजोडर्म आएगा, ठीक है। तो तुम्हारे जितने मसल वसल सब कुछ है सब मीजोडर्म है, जितना बाहर का स्ट्रक्चरल चीज है सब एक्टोडर्मल है, और जितने ऑर्गेन ग्लैंड्स है सब एंडोडर्मल है। ज्यादातर केस में पिट्यूटरी ग्लैंड को छोड़ दो, एक्सेप्शन है, वो एक्टोडर्मल है। ब्रेन तुम्हारा जो पूरा न्यूरल सिस्टम है वो एक्टोडर्मल है, ठीक है। बट ज्यादातर ग्लैंड जैसे एंडोडर्म में तुम ज्यादातर ग्लैंड देख सकते हो वो एंडोडर्मल नहीं होता है, मोस्ट ग्लैंड, ठीक है। यहां पे ज्यादातर मसल, ठीक है, और यहां पे तुम्हारा स्किन आ गया है ना, फिर आपका न्यूरल सिस्टम पूरा एक्टोडर्मल है क्योंकि पहले बना, तो ये सब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। एक्टोडर्म मिजोडर्म एंडोडर्म पे आज तक सवाल नहीं आया, तो मैं इस चीज को अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि पहले मैं पूरा एक टेबल देता था एक्टोडर्म मिजोडर्म एंडोडर्म याद करने का, बट पिछले 15 साल में एक्टोडर्म मिजोडर्म एंडोडर्म पे सवाल नहीं आया, ठीक है, कोई दिक्कत? तो बाहर वाला एक्टोडर्म, बीच वाला मिजोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म, इसलिए हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं अपने आपको, है ना, ठीक है सर। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया तुम्हारा इम्प्लांटेशन की बात। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट डिवाइड किया 2 सेल में, 4 सेल में, 8 सेल में, 16 सेल में, 8 to 16 सेल स्टेज जो है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं, समझ। मतलब 2 सेल वाला भी जो है ब्लास्टोमियर है, 4 सेल वाला भी जो है ब्लास्टोमियर है, 8 सेल वाला भी जो है ब्लास्टोमियर, और 16 सेल वाला भी जो है ब्लास्टोमियर। बट सेल विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर, मतलब वो दो दो सेल का 8 से 16 हो सकता है, चार चार सेल का 8 से 16 हो सकता है, तो उसको हम मॉरुला कहते हैं। फिर मॉरुला अपने आप को अरेंज करता है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में, जिसके पास दो पार्ट है, आउटर ट्रोपोब्लास्ट जो इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा, और अंदर वाला इनर सेल मास जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। ये पूरा टाइमलाइन ब्लास्टोसिस्ट तक बनने का टाइमलाइन, या मतलब फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन का टाइमलाइन जो है दैट इज 1 वीक। फर्टिलाइजेशन टू इम्प्लांटेशन ये कितने दिन में होता है? ये होता है आपका 1 वीक में। मैं तुम्हें कोई वीडियो दिखाता हूं, तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। रुको, मैं तुम्हें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ग्राफिकली दिखाता हूं, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखो, यहां पे देखो, ये फर्टिलाइज ओवम मतलब है जाइगोट बन गया, ठीक है। अब ये देखो डिवाइड करा है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ठीक है। ये देखो मॉड्यूला बनाया हुआ है, ठीक है, 8 to 16 ब्लास्टो में मॉड्यूला बना। अब उसके बाद ये ब्लास्टोसिस बन गया, तो देखो आउटर ट्रोपोब्लास्ट, अंदर वाला इनर सेल मास। अब ये जाके इम्प्लांट हो गया यूटरस में, ठीक है, ये जाके इम्प्लांट हो गया यूटरस में, और धीरे धीरे फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब किस मंथ में क्या होता है उस पर हम बात करते हैं थोड़ी देर में, ठीक। तो अब देखो यही, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड कोरोनिक विलाई अपियर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट विच इज सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड, ठीक है। तो क्या हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला ट्रोपोब्लास्ट से जो यूट्राइन टिश्यू और मेटरनल ब्लड के साथ मिल गया, ठीक है। तो द कोरोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू आर इंटर डिजिटेड टू फॉर्म प्लेसेंटा, ठीक है, टू फॉर्म प्लेसेंटा, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, है ना। अब ये प्लेसेंटा से ही सामान ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नाउ द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो बाय एन अम्बिलिकल कॉर्ड, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो, इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम एम्ब्रियो। तो प्लेसेंटा किसके साथ कनेक्टेड है? अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ, मदर के साथ
जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस कराता है। ठीक है सर, तो ये देखो स्टेज देखो, तो तुम्हारा देखो सबसे पहले ओवम है, फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद टू सेल स्टेज बना, पहले जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट के बाद टू सेल स्टेज बना, टू सेल स्टेज के बाद फोर सेल स्टेज बना, फोर सेल के बाद एट सेल, उसके बाद 8 to 16 ब्लास्टोमियर मोरूला बनाया, मोरूला फिर तुम्हारा ब्लास्टोसिस बनाया, और ब्लास्टोसिस तुम्हारा इम्प्लांट हो जाता है। तो लगभग 7 दिन में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है इम्प्लांटेशन का। ठीक है, प्लेसेंटा का क्या काम है सर? इट एक्ट्स एज एन बैरियर बिटवीन फीटस एंड मदर, बिल्कुल, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू फीटस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीटरी वेस्ट फीटस से हटाता है, उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या क्या रिलीज करता है सर? देखिए प्लेसेंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रिलीज करता है सबसे पहले SCG, इसको हम कहते हैं ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रॉपिन। क्या करता है? हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, मतलब ये क्या करता है, मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, तो इससे क्या होता है प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होता रहता है, तो इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम, तो प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज होता रहता है जिससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग तुम्हारा मेंटेन रहता है। ठीक है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन को हम लोग SCS भी कहते हैं, ह्यूमन कोरोनिक सोमैटोट्रोपिन, ह्यूमन कोरोनिक सोमैटोट्रोपिन, तो ये क्या करता है सर, ये भी तुम्हारा लैक्टेशन में हेल्प करता है ना, मिल्क प्रोडक्शन में तुम्हारा सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये SCG और HPL तुम्हारा रिलीज होता है। SCG इज रिलीज इन ह्यूज क्वांटिटी इन द इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो इट इज रिलीज इन मोर क्वांटिटी इन द इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इट इज रिलीज इन मोर क्वांटिटी इन द इनिशियल डेज ऑफ प्रेगनेंसी, और यही प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हम करते हैं यही यूज होता है, मतलब हम यही देखते हैं कि SCG का अमाउंट। ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस बहुत कम, फॉल्स पॉजिटिव होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि SCG निकलेगा ही तभी जब तुम्हारा क्या है, जब तुम्हारा प्रेगनेंसी हो रहा है। ठीक है सर, बढ़िया, तो यही देखो तुमको दिख जाएगा, तो मेटरनल ब्लड वेसल्स, ठीक है, मेटरनल ब्लड, कोरोनिक विलाई, और इसी का इंटर डिजिटेशन हुआ तो प्लेसेंटा बना, इसी का इंटर डिजिटेशन हुआ तो प्लेसेंटा बना, और प्लेसेंटा से ही अम्बिलिकल कॉर्ड निकला जो मदर और फीटस को जोड़ रहा है, जो मदर और फीटस को जोड़ रहा है। क्लियर? चलिए, और क्या क्या हार्मोन रिलीज होता है बेटा, देखो अब यहां पे कुछ हार्मोन और रिलीज होते हैं ज्यादा क्वांटिटी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहला रिलैक्सिन इज रिलीज्ड बाय ओवरी, क्या करता है ये, मैंने आपको बताया था रिलैक्सिन का काम, डायलेशन ऑफ प्यूबिक सिंफाइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डायलेशन ऑफ प्यूबिस सिंफाइसिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है सर, उसके बाद सर क्या हुआ, लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सब का भी लेवल ज्यादा होगा मेटरनल ब्लड में। ईस्ट्रोजन कहां से निकलेगा, ओवरी से, प्रोजेस्टोन कहां से निकलेगा, ओवरी से, कॉर्टिसोल एडनल कोटेक्स से, प्रोलैक्टिन तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी से, थायरोक्सिन तुम्हारा थायरॉइड ग्लैंड से। ठीक है, ये सपोर्ट करता है फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेन करता है प्रेगनेंसी। अगर मान लो कि थायरोक्सिन का लेवल बहुत कम हो गया, तुम्हारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाएगा, बच्चा इंपेयर्ड पैदा हो सकता है। ठीक है, अच्छा, द जर्म सेल विल गिव राइज टू ऑल द ऑर्गेन्स। ठीक है, द सेम सेल्स इन द इनर सेल मास हैव पोटेंसी टू गिव राइज ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यू, तो इसीलिए उसको भी टोटी पोटेंसी कहते हैं। इसलिए हम स्टेम सेल अगर अभी जमा करके रख दे तुम्हारा, ठीक है, तो उससे हम नया ऑर्गेन बना सकते हैं और उस ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं तुम्हारे बॉडी में। ठीक है, हमारा जो गेस्टेशन पीरियड होता है प्रेगनेंसी से, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, टू पार्चुरेशन, इट इज 9 मंथ प्लस 7 डेज, 7 दिन फर्टिलाइजेशन का जोड़ दो तो 9 मंथ प्लस 7 डेज होता है। ठीक है, तुम्हारे एनसीईआरटी में 9 मंथ ही लिखा है, तुम 9 मंथ ही पकड़ के चलो। ठीक, अब आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या क्या चेंज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है, तो जितना एनसीईआरटी कहती है हम उतना ही पढ़ेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं पढ़ेंगे। ठीक है,
तो एक महीने के बाद हार्ट फॉर्म हुआ, फर्स्ट मंथ हार्ट, सेकेंड मंथ लिमेन डिजिट, थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड मंथ ही कह सकते हैं उसको, मेजर ऑर्गेन्स बन गया तुम्हारे, ठीक है। चौथे मंथ का खास बताया नहीं है, फिफ्थ मंथ में बताया क्या, मूवमेंट ऑफ फीटस हुआ और अपियरेंस ऑफ हेड हेयर ऑन हेड, है ना, तो सर पे बाल आ गया थोड़ा, ठीक है। 24 वीक, ये तुम्हारा 6 मंथ हो गया, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर, आईलिड सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म, और जो तुम्हारा 9 महीने के बाद बच्चा रेडी फॉर डिलीवरी हो जाता है, 9 महीने के बाद योर चाइल्ड इज रेडी फॉर डिलीवरी, क्लियर। पहले महीने हार्ट, दूसरे महीने लिम्स और डिजिट, है ना, हाथ बना और उंगलियां बनी, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ज्यादातर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। फिफ्थ ट्राइमेस्टर में पहला मूवमेंट हुआ फीटस में और हेयर का अपियरेंस हुआ हेड में। सिक्स ट्राइमेस्टर तक तुम्हारा बॉडी इज कवर्ड बाय फाइन हेयर, आईलिड्स तुम्हारे जो है वो सेपरेट हो गए, आंखें खुल गई, ठीक है, एंड आई लैशेस के भी फॉर्मेशन हो गए, और 9वें महीने में बच्चा रेडी फॉर डिलीवरी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेम एनसीईआरटी लाइन पे ही सवाल आता है, तो इसके बियॉन्ड हमें डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पार्चुरेशन कैसे होता है। तो अब फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ठीक है, पार्चुरेशन क्या हुआ सर, इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन, ठीक है। क्या मैकेनिज्म होता है, इट इज इंड्यूस्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरल सिग्नल भी इन्वॉल्व है, एंडोक्राइन सिग्नल भी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इसको हम न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहते हैं। तो द सिग्नल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फीटस एंड प्लेसेंटा, इंड्यूस माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो देखो, तो क्या हुआ, तुम्हारा फुल्ली डेवलप्ड फीटस, एंड प्लेसेंटा क्या करेगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करेगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करेगा, ठीक, और इसी माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन को हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। बच्चा नॉक नॉक कर रहा है, टक 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 टक, प्लीज गेट खोलो, निकलना है मुझे, इसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसको हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा मैटरनल पिट्यूटरी, मम्मी की पिट्यूटरी, क्या रिलीज करेगा सर, ऑक्सीटोसिन, इसको हम मेन पार्चुरेशन हार्मोन भी कहते हैं, इट इज कॉल्ड मेन पार्चुरेशन हार्मोन। तो ये क्या कराएगा सर, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम कराएगा, याद है यूट्रस में 3 लेयर था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम कराएगा जिससे बच्चा बाहर निकलेगा, ऑफ मायोमेट्रियम कराएगा, ठीक है, जिससे बच्चा बाहर निकलेगा, ठीक है। तो दिस कॉजेज द रिलीजेस ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल प्यूटरी, इस पे सवाल आया था कहां से होता है, मैटरनल प्यूटरी होता है, ठीक है। इट कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, द प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल, ठीक है। बर्थ कैनाल आपको पता है सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना, बर्थ कैनाल होता है, ठीक है, तो बच्चा बाहर निकल गया, ठीक है सर। आफ्टर पार्चुरेशन अम्बिलिकल कॉर्ड हम काट देते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया, और उसके बाद द प्लेसेंटा एंड रिमनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड आर एक्सपेल्ड फ्रॉम मैटरनल ब्लड, तो ये पार्चुरेशन के साथ ही जो बचा कुचा चीज है सब निकल जाएगा, ठीक। अच्छा, अब उसके बाद मैमरी ग्लैंड जो है वो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, बच्चा खाएगा पिएगा क्या, इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन, ठीक है, और मिल्क निकलने के लिए भी, मिल्क लेट डाउन हार्मोन जो होता है, लेट डाउन देख लो, प्रोडक्शन नहीं, ये भी ऑक्सीटोसिन करता है, ठीक है। प्रोडक्शन कौन करा रहा है, प्रोजेस्टेरोन और प्रोलैक्टिन, ठीक है, लेट डाउन कौन करा रहा है, ऑक्सीटोसिन। तो द येलोइश मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम, इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर
न्यू बॉर्न बॉडीज, कौन सी एंटीबॉडीज होती है इसमें सबसे ज्यादा? IgA एंटीबॉडी इसमें सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो मिल्क लेट डाउन, ऑक्सीटोसिन, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोजेस्टेरॉन एंड प्रोलैक्टिन, क्लियर है? तो ये चैप्टर भी आपका द एंड हो गया। आइए इसके PYQ करते हैं। चलिए PYQ देखते हैं इसके। तो क्या दिख रहा है सर आपको? पहला स्टेटमेंट वन, वास डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल, तुम्हारा इजैकुलेटरी डक्ट होता है, बिल्कुल सही। स्टेटमेंट टू, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग्स विद वजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल, बिल्कुल सही। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर ट्रू, ठीक है। अभी जो पढ़ाया था उसी सवाल है ना। दूसरा सवाल, एसर्शन रीजन है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल सही बात है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट दैट कॉजेस डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, दोनों सही है। बट क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर ओजेनेसिस, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, दोनों के लिए ट्रू है, दोनों का गैमेट हैप्लॉइड है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये भी सही है दोनों के लिए। मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, स्टेम सेल पॉपुलेशन देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बोल रहा है कि इट इज कंट्रोल बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बाय एंटीरियर पिट्यूटरी और इट इज इनिशिएटिंग एट प्यूबर्टी। अब पहला पॉइंट तो देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनी बट नॉट फॉर स्पर्मेटोजेनी, देखो ई तो होगा, ठीक है, यहाँ पे ई तो सही है, ठीक है, ठीक है। अब तुम्हारे ऑप्शन में देखो बी एन सी वाला, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बी एन सी ओनली तो नहीं, ठीक है, बी डी ई है या बी सी ई है या सी और ई, ठीक है। अब देखो क्या क्या ध्यान से, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, हैप्लॉइड गैमेट दोनों के केस में फॉर्म होता है, तो ए तो हटा दो, तो ए गया, ठीक है, ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर्स, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, बिल्कुल। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट कहां होता है? स्पर्मेटिस से स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट सही हो गया, तो बी आ गया तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ सी एन ई भी हट गया, तो अब या तो बी डी ई है या बी सी ई है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिक डिवाइडिंग सेल्स सेल्स पॉपुलेशन। अब देखो मियोसिस कहाँ अकर करता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, तो स्टेम सेल पॉपुलेशन क्या था? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, उसमें मियोसिस कंटिन्यूअसली अकर कर रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है। कंट्रोल FSH और LSH तो दोनों होता है, तो ये गलत हो गया, तो बी सी ई सही हो गया, आंसर आपका ये आ गया, गुड क्वेश्चन है ना, ठीक है। एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द ओजेनेसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड, तो ओजेनेसिस अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, बिल्कुल सही। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, नहीं, स्पर्म फ्रॉम कितना, किससे? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनेगा तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है, तो रिलीज तो सही है, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट है, ठीक है। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट एट जोना पेलिसिटा, ZP3 ग्लाइकोप्रोटीन इसको बोलते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, रिलैक्सिन ओवरी प्रोड्यूस करेगा, ओवरी मतलब तो कॉर्पस ल्यूटियम ही प्रोड्यूस कर दिया तुम्हारा लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पे रिलैक्सिन, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन में क्या है? ऑक्सीटोसिन होगा, ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन भी होगा, प्रोलैक्टिन का लैक्टेशन से मतलब है, पार्चुरेशन
पार्चुरेशन से कोई मतलब है नहीं, तो आंसर तुम्हारा बी आ जाएगा। ठीक है, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट इज कंप्लीटेड। मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ऊसाइट इज कंप्लीटेड। सेकेंडरी ऊसाइट कब होगा? जब एंट्री ऑफ स्पर्म होगा, जब एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, एंट्री ऑफ स्पर्म होगा तभी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लीड्स लेवल विल कॉज रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल तो क्या होगा? तुम्हारा कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन कम होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ LH ज्यादा होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ FSH ज्यादा होगा। तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ LH और हाई कंसेंट्रेशन ऑफ FSH। तो बाकी ऑप्शन तुम्हारे ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया। ठीक है, अब देखो प्लेसेंटा, ठीक है, तुम्हारा जोना पेलिसुडा लेयर ऑफ ओवम है, ठीक है, प्लेसेंटा रिलीज करेगा SCG ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, बल्बोयूथल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पीनिस और लेडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करेगा। तो 4 का 1, 4 का 1, 3 का 4, 1 4, मतलब ये दो ऑप्शन तो यहीं गया। ठीक है, उसके बाद 2 का 3, 2 का 3 और 1 का 2, डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस। इन मेल रिप्रोडक्टिव सीक्वेंस क्या हो गया? टेस्टिस से एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस से वासा एफरेंचिया, वासा एफरेंचिया से वास डिफरेंस गलत है। ठीक है सर, टेस्टिस से एपिडाइडमिस, टेस्टिस से वासा एफरेंचिया आएगा ना, फिर एपिडाइडमिस आएगा, ये भी गलत हो गया। सेमनीफेरस टिब्यूल से रेटेड टेस्टिस वासा एफरेंचिया, एपिडाइडमिस वास डिफरेंस, इजैकुलेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल मीटस, सी इज द करेक्ट। ठीक है, वासे अपने इंग्विनल केनाल कहाँ आ गया? यूरेथ्रा। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा सी आ गया। नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, क्या होगा भैया? FSH और LH का लेवल लो होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, तो इसीलिए। ठीक है, एक्सटर्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एन एग अकर्स आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, इन स्पर्मियोजेनेशन स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, नहीं गलत है, स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म है ना, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फॉर्म, व्हाइल स्पर्मिएशन, नहीं ये भी गलत है, इन स्पर्मियोजेनेसिस सर्टोली स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल्स आर रिलीज, ये भी गलत है। तो ऑप्शन इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर रिलीज इनटू द कैविटी या ल्यूमेन ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, चल अगला, प्रोलिफरेटिव फेज तुम्हारा फॉलिकुलर फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज तुम्हारा ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, और सिक्रेटरी फेज तुम्हारा लूटियल फेज है। तो A का 2, B का 3 और C का 1, A का 2, B का 3 और C का 1। ठीक है, हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, क्या भाई? SCG, HPL, SCG, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एड्रिनल कॉर्टिसोल हो गया। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, HPL तो लैक्टेशन में काम करेगा, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी SCG, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। रिलैक्सिन तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा? रिलैक्सिन और HPL, यहाँ पे HPL आ गया और यहाँ पे प्रोलैक्टिन आ गया और HPL आ गया, ये लैक्टेशन में हेल्प करेगा, रिलैक्सिन तुम्हारा डायलेशन ऑफ यूबिस करता है, तो मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में ये हेल्प नहीं कर रहा। कैपिटेशन कैपेसिटेशन अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ बेटा, एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म को कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म कहते हैं, स्पर्म को जो मोटिलिटी रिसीव होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में होती है। इसको गुड क्वेश्चन मार्क करो, इसको स्टार लगा। ठीक है, चेंजेस इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, चेंजेस इन GnRH, GnRH, ठीक है, तो GnRH पे कहां पे चेंज आएगा? तो इट इज ड्यू टू तुम्हारा प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, सी हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, LH एंड FSH ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, LH और FSH बढ़ेगा फॉलिकुलर फेज में, गलत है। LH ट्रिगर्स
सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम लेडी सेल सही है, एफएचएस स्टिमुलेस ऑटोलिसिस टू स्पर्मियोजेनेसिस ठीक है, एलएच ट्रिगर्स ओव्यूलेशन ठीक है, तो आंसर तुम्हारा ए आ गया ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर इनिबिन प्रोड्यूस बाय गैंड्रोसा सेल्स इन द ओवरी एंड इनिबिट सिक्रीशन ऑफ एलएच। अच्छा इट इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्स सेल्स इन टेस्टिस, सर्टोली सेल रिलीज करता है एंड इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ एलएच ठीक है, तो सर्टोली सेल ही तुम्हारा रिलीज करता था है ना, और एलएच के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा ताकि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दे रहा है ठीक है। 22 फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली, अब याद देखो एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन यहां पे होता था ठीक है, एम्पिला रीजन होगा ये, अब चेक कर लेना, पहले एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन को सही माना जाता था ठीक है, ठीक है तो यही साइमल्टेनियसली ये एम्पिलरी इस्थमिक जंक्शन नहीं होगा, ये एम्पिलरी जंक्शन होगा ठीक है, इसको चेक कर लेना, तो वैसे तो नन ऑफ दीज होगा बट वैसे अभी के लिए ये सही हो जाएगा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्न्स, तो रेटेड टेस्टिस वासा डिफरेंशिया एपिडाइडमिस वास डिफरेंस ठीक है, तो रेटेड टेस्टिस एपिडाइडमिस ये गलत हो गया, रेटेड टेस्टिस वास डिफरेंस ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पहला हो गया है ना, एफेरेंट डक्टलेस तुम्हारा वासा डिफरेंशिया लिया ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड स्पेस, अब यहां पे दिया नहीं है तो ग्राफीन फॉलिकल पे डाल दो ठीक है, नेबनकन स्पीथ स्पर्म में होता है और ट्रोपोएक्टोडर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब देखो यहाँ पे अगर तुम टेक्निकली एंट्रम का होना चाहिए टर्शरी फॉलिकल पर ठीक है, और यहाँ पे तुम यहाँ पे डाल दो, तो 1 का 3 ठीक है ये ऑप्शन एलिमेंट हो गया यहाँ पे ठीक है, 2 का 4 ये ऑप्शन एलिमेंट हो गया यहाँ पे ठीक है, 3 का 1, 3 का 1 आंसर आपका बी आ गया है ठीक। सेवरल हॉर्मोन्स लाइक एससीजी एचपीएल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एससीजी एचपीएल प्लेसेंटा ठीक है, हिस्टेरेक्टॉमी, अब देखो ये तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस था, यूट्रस को निकालते हैं तो उसको हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं, अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे अपने नोटबुक में लिख लो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन द एंट्रल फॉलिकल इज ए सेल्यूलर, इज ए सेल्यूलर, इज ए सेल्यूलर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इन द एंट्रल फॉलिकल इज ए सेल्यूलर, अगेन ये भी आउट ऑफ एनसीआरटी है, तो इसमें देखोगे तो बेटा जो ना पहले छोटा जो आउटर कवरिंग होता है वो ए सेल होता है, ग्रैनुलोसा तो सेल ही है, ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं, थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना, ग्रैनुलोसा सेल का बना हुआ है स्ट्रोमा, तो इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा, बट अगेन तुमने एनसीआरटी में ये नहीं दिया था ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉइड, नॉर्मली डिप्लॉइड, स्पर्मेटोगोनिया 2n, सेकेंड पोलर बॉडी n, प्राइमरी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी n, स्पर्मेटेड n, तो आंसर तुम्हारा स्पर्मेटोगोनी आ गया ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओव्यूलेशन ऑफ ह्यूमन फीमेल, नॉट एसोसिएटेड विथ ओव्यूलेशन ऑफ ह्यूमन फीमेल, ईस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा होगा ना, ईस्ट्रोजन का लेवल कम थोड़ी होगा, इन ह्यूमन फीमेल्स मियोसिस टू इज कंप्लीटेड अंटिल, अंटिल मियोसिस टू तो कब तक नहीं होता, जब तक एंट्री ऑफ स्पर्म नहीं होता, तो फर्टिलाइजेशन मोस्ट ऐप लग रहा है बट एंट्री ऑफ स्पर्म होना चाहिए, इट इज बिफोर फर्टिलाइजेशन ठीक है। कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंजेस इन स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, अगेन AIPMT 15 में जब कैंसिल हुआ था बहुत अतरंगी टाइप के सवाल आए थे, तो इसलिए तुमको ये देखने को मिलता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर्ड टू एज इम्प्लांटेशन इन एम्ब्रियोसाइट अदर देन क्या यूट्रस है ना, तो यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाता है तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अब ये देखो AIPMT में क्या होता था, इस तरह के बाहर वाले सवाल भी थोड़े थोड़े आते थे ठीक है, अब ये तुम्हारे एनसीईआरटी में तो दिया नहीं ठीक है, जनरली फैलोपियन ट्यूब में इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है ठीक है। अगला द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल इज यूरेथ्रा, वायर डिफरेंस आया यूरेथ्रा में आ गया ठीक है, यूरेटर से यूरिन निकलता है, वायर डिफरेंस स्पर्म निकलता है, दोनों घुसता है और यूरेथ्रा। मेन फंक्शन ऑफ मेमिलियन कॉर्पस लूटियम इज टू मेंटेन, मेंटेन इज टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन, नॉट ईस्ट्रोजन ऑनली, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन है तो इसलिए ठीक है। एससीजी तुम्हारा किससे, प्लेसेंटा से है, रिलैक्सिन ऑनली नहीं है, ईस्ट्रोजन ऑनली नहीं है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन डिस्क्राइबिंग गोनाडोट्रॉपिक एक्टिविटी इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल देख लो
तो लो लेवल ऑफ FHH और LH रहेगा, ठीक है, हाई लेवल ऑफ SCG स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, हाई लेवल ऑफ जी थिकनेस ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग, दोनों सही है यार। हाई लेवल ऑफ SCG स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अब देखो SCG ज्यादा है तो कॉर्पस ल्यूटम मेंटेन है, उससे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है, और दूसरा कह रहा है हाई लेवल ऑफ HCG स्टिमुलेट थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, थिकनिंग भी मेंटेन हो रहा है, तो थिकनिंग नहीं कराना, मेंटेनेंस ज्यादा सही है ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी ज्यादा एप्ट, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था ऑप्शन था इसका, ठीक। तो ये हमने PYQ भी कर लिया और तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तुम देखो ज्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ज्यादा क्वेश्चन आया, और इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, इसीलिए मैंने टाइम लेके ये चैप्टर पूरा पढ़ा है, ठीक है। चलो अब आराम से टेस्ट दो और देखो कैसे नंबर आते हैं तुम्हारे। थैंक यू।